بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آج ماہ شعبان المعظم کی پندرہویں شب جس کو احادیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لیلۃ النصف من شعبان کے متبرک الفاظ و کلمات کے ذریعے سے یاد فرمایا ہے، حضور نبی کریم رؤوف و رحیم رحمت للعالمین ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان المعظم کی اس مہینے کی شعبان کے مہینے کی پندرہویں شب پندرہویں رات آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تذکرہ فرما کر ایک مقام پر اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا اپنی امت کو کہ تم اس رات عبادتوں کا اہتمام کرو، اور جب اس کا دن آئے تو دن کو روزے کا اہتمام کرو، اور ایک تذکرہ اس انداز سے فرمایا، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، علیحدہ علیحدہ 10 جلیل القدر صحابہ اکرام سے شعبان المعظم کی پندرہویں شب کے متعلق، جسے ہم اور آپ ایک نام سے یاد کرتے ہیں اور یاد رکھے ہوئے ہیں، وہ شب براءت، شب معراج، شب براءت اور شب قدر، ان تین ناموں سے ان تین راتوں کو ہم یاد رکھے ہیں. یقیناً شب معراج ہے، شب معراج، شب اسراء اور شب معراج، اس کے نام لیلۃ الاسراء، لیلۃ المعراج. اسی طرح شب قدر ہے، لیلۃ القدر، قرآن کریم کا دیا ہوا نام ہے. اب شب براءت جو ہے وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو رات اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان فرمایا ہے. ہاں، اس رات میں جو کچھ جو ہوتا ہے اور جو کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس مناسبت سے اس رات کے مختلف نام علماء اکرام نے دیے ہیں. جس طرح سے خود شب براءت، شب تو فارسی لفظ ہے، شب فارسی لفظ ہے، شب براءت اس کو عربی میں بولیں گے تو لیلۃ البراء، براءت کی رات. اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو چھٹکارے کی رات. براءت کا لفظ
उर्दू में भी इस्तेमाल है अरबी लफ्ज़, उर्दू ज़ुबान ही है, अरबी, फ़ारसी और संस्कृत ये ज़ुबानों का मजमा मिलकर ये उर्दू ज़ुबान वजूद में आई है। तो ये छुटकारे का लफ्ज़ खालिस ये उर्दू लफ्ज़ है, छुटकारे की रात। लेकिन हम शब फ़ारसी है, बराअत उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो शब बराअत छुटकारे की रात, ये नाम दरअसल मानवी एतबार से इस रात को होने वाले जो जो काम और जो जो चीज़ें जो जो उमूर इस रात को अंजाम दिए जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, उसकी मुनासबत से ये नाम इसका दिया गया है। गरचे कि ये एक ही नाम नहीं है इसका, इसके और भी नाम कुतुब उलमाए किराम ने किताबों में बयान फरमाए हैं, शुरुहात की अहादीस की शुरुहात की किताबें जो हदीसों की तशरीहात और हदीस के मानी और मफाहीम मफहूम माना मतालिब मतलब जो बयान होते हैं वो उनमें इस रात के नामों में लैलतुत तौबा है, लैलतुल इस्तिजाबा कबूलियत की रात, दुआ की रात, तौबा की रात, मगफिरत की रात और बराअत और छुटकारे की रात, इनाम व इकराम की रात, तकदीर की रात, यानी मुकद्दर के जो फैसले होते हैं, ये नाम इस रात के बड़ी अहमियत वाली रात है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगाएं, रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरह से ईमान वालों को दो ईदें अता फरमाई है, ईमान वालों को अल्लाह तबारक व ताला ने दो ईदें अता फरमाई हैं जो बड़ी मशहूर और मारूफ हैं, वो ईदें ईदुल अज़हा और ईदुल फितर, जिसका हम एहतमाम करते हैं। ईदुल अज़हा, ईदुल फितर, ईदुल फितर रमज़ान की ईद, बकरीद आम अल्फाज में, रमज़ान की ईद, बकरीद, ये दो ईदें अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों को जो अता फरमाई हैं, रब तबारक व ताला ने फरिश्तों के लिए आसमानों में जो फरिश्ते जिनका सेलिब्रेशन करते हैं, फरिश्ते आसमानों में जिनको मनाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए आसमानों में फरिश्तों के मनाने के लिए भी दो ईदें अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर, ये तो बकरीद रमज़ान की ईद हम ईमान वालों के लिए जो ज़मीन पर मनाते, ज़मीन पर जिनका एहतमाम करते हैं और जिनके एहतमाम में कुछ मशरूआत भी हैं, यानी शरई अहकाम भी है इसके अंदर जी, जैसा ईदुल फितर है, सदक़तुल फितर का एहतमाम है, नमाज ईद वाजिब उसका एहतमाम है, ईदुल अज़हा के मौके पर साहिब इस्तेताअत लोगों पर क़ुरबानी देने की इबादत है, नमाज ईद का एहतमाम है, खुतबे का एहतमाम, ये सब ईमान वालों के लिए दो ईदें अल्लाह तबारक व ताला ने रखी हैं। तो फरिश्तों के लिए आसमानों में अल्लाह तबारक व ताला ने जो दो ईदें रखी हैं उनके ताल्लुक से रिवायतों में आया है कि वो दो ईदें जिससे हमारे लिए दिन दिए गए, फरिश्तों के लिए रातें दी गई हैं, रातें दी गई हैं ईद के तौर पर, फरिश्ते इन रातों का एहतमाम करते हैं। वो कौन सी रातें हैं? तो फरमाया एक है लैलतुल बरा, लैलतुल बरा यानी शब बरात, ये आसमानों में मनाई जाने वाली फरिश्तों की ईद है, अल्लाहु अकबर। और एक है लैलतुल कद्र, आसमानों में मनाई जाने वाली फरिश्तों के ज़रिए से मनाई जाने वाली ईद है, आसमानों में फरिश्तों की ईद है, जो आसमानों में फरिश्ते जिनको मनाते हैं, शबे बराअत भी है, शबे कद्र भी है। अल्लाहु समद। हज़रत गिरामी, ये तो दिन और रात के जो मौसम हैं वो तो सूरज और चाँद से इनका ताल्लुक है जी, सूरज निकलता है, तुलू होता है तो दिन नमूदार होता है, सूरज गुरूब हो जाता है तो रात छा जाती है, और सूरज और चांद अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के लिए बनाए हैं, दुनिया के लिए बनाए हैं, दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने बनाए जी।
وجعل القمر وجعل الشمس سراجا. جی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا بھی تذکرہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, دنیا اہل دنیا, دنیا والوں کے لیے, دنیا میں رہنے بسنے والوں کے. یہ دن اور رات, یہ موسموں کی تبدیلیوں کا بھی جو تعلق ہے وہ دنیا سے ہی ہے. آسمانوں میں تو موسم ایک ہی موسم ہے, جی ایک ہی موسم ہے. جنت میں, جنت میں کیا صبح ہوں گی, دن نکلیں گا, شام ہوں گی, کچھ نہیں ہے جی. دوپہر کی دھوپ ہے, عصر کا وقت ہے, یہ فجر کا وقت ہے, رات ہو گئی, بھائی رات کے 12 بج رہی, 3 بج رہے, 2 بج رہے, نہیں ہے. جنت میں یہ اوقات یہ نہیں ہے کوئی بھی, جو یہ جو اوقات ہم دن کے حساب سے کرتے ہیں. وہاں پر جنت میں ایک ہی جو انتہائی دل فریب موسم ہوتا ہے آپ کے 24 گھنٹوں میں, دنیا کے راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹوں میں جو انتہائی دل فریب موسم, جو انتہائی طبیعت کے لیے بھی انتہائی سکون کا, اطمینان کا باعث, وہ وقت ہے آپ کا صبح کا وقت, فجر کا جو وقت ہوتا ہے, تازی ٹھنڈی ٹھنڈی, گرما کا بھی موسم ہوتا ہے. رات بھی ہو تو رات میں بھی ایک تپش اور گرمی ہوتی ہے, گرما کے موسموں میں بھی فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان ایک راحت محسوس کرتا ہے. وہ صبح کے وقت کا جو بالکل یا طور پر ایک انتہائی پر فریب اور دلکش موسم ہوتا ہے. جنت میں ایک ہی موسم ہے, وہی ایک موسم, موسموں کا جو وقت کا معاملہ جو ہے ایک ہی. اور موسم تو بہار کا موسم ہے, صرف بہار کا موسم ہے, نہ سردی ایسی کہ جاڑا جیسا اور سردی سے تکلیف ہو, نہیں, نہ ایسی کچھ گرمی, انتہائی بہار کا موسم, انتہائی دل فریب موسم. وقت وہی وقت ہے, وہ ایک ہی وقت ہے, وہ وقت نہ اس میں کمی ہوتی, نہ آدمی اکتا جاتا. ایسا بھی نہیں ہے, بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی کسی ایک موسم سے بھی, کسی ایک وقت سے بھی. لیکن جنت کا معاملہ تو ایسے ہی ہے, نعمتیں ایسی نعمتیں, ہر نعمت ایسی کہ انسان کا دل اچاٹ نہیں ہو جاتا. ہر نعمت میں لذت مستقل طور پر ہمیشہ ہمیشہ لذت, سرور, اطمینان اور سرور کی کیفیت اور خوشی کی کیفیت اور مسرت کی کیفیت رہتی ہر نعمت میں. اور نعمت میں اضافہ ہی ہوتا ہے, وہاں پر نعمتوں میں اس کی لذت میں اضافہ ہوگا. یہ چیز, عمر بھی ہے تو بالکل یا طور پر وہی ایک عمر, جو ایک بالکل ہی طور پر ایک کامل مرد کی جو ایک کامل دنیا میں عمر ہوتی ہے وہ ایک 30-32 سال کی عمر بتائی گئی ہے. بوڑھا بھی ہے تو وہ جوان ہوگا جنت میں, جی جوان تو جوانی, ادھیڑ عمر کا بھی ہے تو اس کو وہی عمر کا بنا دیا جائے گا. جنت میں جب داخلہ ہوگا تو وہ 30-32 سال کا جوان, پھر خوب روئی, اس کی خوبصورتی ایسی کہ ایسے ایسے حسن کے مالک, جن کے حسن کی ایک چادر اگر ہٹا دی جائے, وہ حسن کے پیکر جو دنیا میں اگر جھانک لیں تو ساری دنیا منور ہو جائے, وہ ویسے حسن والے اس کے خادم بنا کر رکھ دیے جائیں گے, اس کے خدمت گزار بنا کر رکھ دیے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسا حسن عطا نہیں فرمائے گا جب جنتی کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا. اللہ الصمد. بہرکیف موسم تو وہ, اب یہ راتیں ہم اپنے اعتبار سے شب براءت اور شب قدر ہم کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس یہ رات ہے جس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہمیت عطا فرمائی, ان راتوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی. دیگر اور راتوں میں ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے, وہ ہم دنیا میں رہنے والوں کے لیے تو رات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آسمانوں میں رہنے والے جو فرشتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور عید ان دو راتوں کو رکھ دیا ہے. تو وہ رات, جیسے ہم رات میں, اب مغرب کے بعد ہی ہمارے لیے رات ہو گئی, ہم مغرب کے بعد سے اہتمام یا پہلے سے اہتمام میں لگے, مغرب سے لگے تو وہ رجوع ہو گئے, بھائی شب برات کا اہتمام. جو کچھ معمولات شب برات کے بزرگوں سے ثابت ہے, الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس پر کاربند ہیں, اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات آج کی رات ہے, یہ رات ہے
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला के पास कि बारियाँ मुकर्रर थी अजवाज मुतहरात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दीगर अजवाज उस दिन ये शाबान की 15वीं शब को हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला की बारी थी। नबी पाक रात का एक वक्त गुजरने के बाद में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर नहीं है तो वो हुजूर को तलाश करती हुई हुजूर की जस्तजू में निकलकर कुछ फरलांग की मसाफत पर मस्जिद नबवी तो मुत्तसिल थी, हुजरे से देखें तो मस्जिद नबवी सारी मस्जिद एक ही नज़र में नज़र आ जाती थी। अब जैसी मस्जिद नबवी है उस वक्त तो मदीना मुकम्मल पूरा मदीने का शहर जो था गोया वैसी मस्जिद नबवी इतनी बड़ी वसी हो रही। उस वक्त तो खाली हुजरा खोल कर रख गए देख ले तो सारी मस्जिद नज़र आ जाए, उतनी मस्जिद नबवी थी। मस्जिद नबवी में है नहीं, वो निकलकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जस्तजू में तलाश में। और ये बड़ा अंदाज एक निराला अंदाज था, ये बातें बार बार पलटा पलटा कर पलट पलट कर सुनने सुनाने में मज़ा भी आता है, ईमान में पुख्तगी भी पैदा होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नस्बत ग़ुलामी में पुख्तगी पैदा होती है। ये निराला अंदाज था सहाबा इकराम का कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सुनते तो ढूंढते तो ढूंढने के अंदाज कुछ होते। अब रात का वक्त है, रात का एक पहर गुजर चुका है। अब जैसे आज के दौर में तो रात के 3 बजे भी देखे तो मिलने का वक्त ही रात के 12 बजे के बाद में लोगों का जी। अब सुबह बोले तो सुबह होती 1 बजे 1.5 बजे 2 बजे, ये मामूलात लोगों के हो गए। तकरीबन दुनिया में ज़्यादातर इलाक़ों में तो इसी तरह के कुछ मामूलात हो गए। वो वक्त तो ऐसा कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जितने मामूलात हुजूर के होते लोगों से गुफ्तगू शुनीत के वाज़ो नसीहत के जी मशवरों के ये जो भी होते सब इशा से पहले मुकम्मल हो जाते। यहाँ तक कि इशा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी तरह की कोई दुनियावी गुफ्तगू करना भी पसंद नहीं करते थे, ना कोई दीनी बातें या दीनी हलक़े या दीनी वाज़ो नसीहत की मजलिसें इशा के बाद होती थी, सब पहले। बहरकैफ तो इशा के बाद तो फिर आराम का वक्त है जो एक अल्लाह ताला का कुदरत का निज़ाम बनाया हुआ निज़ाम है। वजअलना लैल लिबासा, हमने रात को आराम के लिए नींद के लिए बनाया है। वजअलना नहारा माआशा, और हमने दिन को कस्बे माआश के लिए जी कमाई धमाई के लिए हमने दिन बनाया है। ये है वो तो ऐसा था, तो रात का एक पहर गुजर गया तो अब ढूंढना है, अब कहीं जाकर किसी और मकाम पर जाकर ढूंढने का मामला। तो वहाँ पर तो बड़ा आसान था, ये अंदाज था उस वक्त उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कि कहाँ गए हैं, तलाश करना है और किसी से पूछना भी नहीं है। वैसे पूछने की हाजत और ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वजह उसकी ये कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मुअत्तर था यानी खुशबूदार, ऐसी यहाँ तक अहादीस सहीहा में आया जी, सिहा सित्ता की हदीस की किताबों में सही सनद की जो हदीस हैं उसमें ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यहाँ तक के वही नाजिल होती, नुज़ूल वही जब नाजिल होती तो इतना वही का वज़न और बोझ इतना होता कि सख्त तरीन जाड़े का भी मौसम होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक हुजूर को आ जाता। सख्त तरीन जाड़े के मौसम में भी पसीना आ जाता, अल्लाहु समद। सवारी पर सवार होते तो सवारी बैठ जाया करती थी, मतलब तहम्मुल नहीं होता उसके अंदर के वो चल सके या ठहर सके वो बोझ, क्यों ना हो वो भी वो हुजूर की बरकत से सवारी, क्योंकि हुजूर उस पर सवार है जी, उस बरकत से वो इतना तहम्मुल फिर भी है कि वो है। वरना कुरान के नुज़ूल का मामला तो कुरान खुद बयान कर दिया, लव अनज़लना हादल कुरान आला जबल
لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِيَةِ اللَّهِ, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اسے دیکھتے کہ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِيَةِ, اللہ کی خشیت سے, اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِيَةِ اللَّهِ, ڈر اور خوف کے مارے پہاڑ. تو حضور کی برکت سے اتنا, لیکن وہ اتنا وزن, تو پسینے مبارک آئے. تو ہوتا یہ ازواج مطہرات, حضور کی دیگر ازواج, جی محل مبارک, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینے مبارک آتا, حضور کی زوجہ مبارکہ ہے, وہ پسینے مبارکہ کو نکال کر شیشے میں ڈال کر, شیشی میں حضور کے پسینے مبارکہ کو نکال کر اپنے پاس رکھ لیتی. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پسینے مبارکہ کو اپنے پاس میں شیشی میں نکال کر وہ رکھ لی, پسینے مبارکہ کے قطروں کو جمع کر لیا. اللہ اکبر, اب کیا کام آتے بھائی؟ بھی برکت کے لیے تبرک کے طور پر جی اپنے قبر میں لگا رکھ لینے, ڈال لینے, یہ سب اپنی جگہ ہوئے ہیں. صحابہ کی عقیدتیں بھی, معمولات بھی رہیں, حضور کے موئے مبارک کے سلسلے میں, حضور کی چادر مبارک کے سلسلے میں, حضور کے کرتے مبارک, جبے مبارک کے سلسلے میں وصیتیں کیے صحابہ اکرام, وصیتیں کیے کہ یہ قبر میں اس میں میری اس میں مجھ کو کفنایا جائے. جی حضور کے ناخن مبارک اپنے پاس رکھ لیے, وہ ناخن مبارک میری پیشانی پر, میری آنکھوں پر, میرے سینے پر رکھ دیے جائے. موئے مبارک کے سلسلے میں وصیتیں صحابہ کیے, جی پیشانی پر, آنکھ پر, سینے پر, جی حضور کے موئے مبارک, بال مبارک رکھ دیے جائے. یہ حضور کی مبارک چھڑی, وصیتیں کیے صحابہ اکرام, بلے جلیل القدر صحابہ, حضور کے ہاتھ میں رہتی وہ چھڑی, حضور کے دست مبارک کی نسبت, حضور کے ہاتھ لگنے کی نسبت وہ چھڑی کو ہو گئی, تو صحابہ اٹھا کر رکھ لیے, وصیت کیے مرنے کے بعد قبر میں یہ چھڑی رکھ دینا, میری قبر میں یہ چھڑی رکھ دینا, اور ایسے رکھنا چھڑی کہ وہ چھڑی میرے جسم سے لگی رہے. کیا انداز ہے, کیا اللہ اکبر. اب صحابہ سے بڑھ کے کوئی عمل والا ایمان والا ہے؟ اے یہ سب کچھ بھی کام نہیں آتا, ایمان کام آتا, وہ عقیدہ کام آتا, توحید رہنا, توحید وہ کیا کیا, کیسے انداز رہتا, ایسے عزام سے بولتا کہ شیطان سے بڑا موحدین ہو گیا, اتنا عزام سے. ایسی باتیں جب آتی ہیں تو ان کو, ان باتوں کو گویا ہلکا کرنے کے لیے معاذ اللہ من ذالک. صحابہ جیسا ایمان, ان کا جیسا عمل, ان کا تقویٰ, ان کی پرہیزگاری کون لا سکتا ہے؟ احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے, سارے انسانوں کے دلوں کو, اللہ تعالیٰ خالق و مالک, سارے انسانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا, دیکھا ان دلوں کو, لوگوں کے دلوں کو, سارے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں, حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے, سب کے دلوں کو دیکھا اللہ تعالیٰ. دیکھ کر ان سارے دلوں میں سب سے زیادہ تقوی والے جو دل تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صحابیت کے لیے چن لیا, اپنے حبیب کی رنگ سنگت اور میرے محبوب کے ساتھیوں, ساتھی بننے کے لائق ہے, میرے حبیب کے صحابی بننے کے لائق ہے, ان کی صحابی اللہ تعالیٰ سب سے تقوی والے, ان سے زیادہ تقوی کس کا ہے؟ وہ لوگ وصیتیں کر رہے ہیں ایسے. اللہ اکبر. تو بات چلی تھی حضور کا پسینے مبارک نکال کر رکھتے تھے, کیا کیا استعمال میں آتا, احادیث میں, حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کبھی مدینے میں, مدینہ بستی ہے, مدینہ ایک شہر ہے, تو اہل مدینہ, مدینے کے رہنے والوں میں کسی بھی لڑکی کی شادی ہوتی, دلہن بنتی, تو دلہن بنتی, دلہے بنتے تو سب سے بہترین لباس کی بھی کوشش ہوتی, خوشبو لگائی استعمال ہوتی, خوشبو کا بہتر سے بہتر خوشبو ویسے موقع پر استعمال کرنے کی بھرپور کوشش ہوتی. تو ہوتا یہ کہ جو دلہن بنتی ان کو خوشبو سے معطر کرنے کے لیے مدینے میں جن کو پتا ہوتا, وہ حضرت ام سلمہ کے پاس, ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جو حضور کے مبارک پسینے
मुबारक पसीने मुबारका की जमा जो शीशी थी उसमें से चंद कतरे कुछ हिस्सा, उसमें से कुछ छीटे, उसमें से कुछ हिस्सा वो दुल्हन के लिए इस्तेमाल किया जाता और खुशबू ऐसी कि दुनिया की कीमती से कीमती खुशबू, मुश्को अंबर की खुशबू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये हदीसों में है, हदीसों में आ, तभी तो ये खुशबू के महक के लिए उसके लिए इस्तेमाल होता। हाँ, दुल्हन मखसूस उसके लिए, ये नहीं कि खुशबू लगाकर बाजारों में घूमने घुमाने का मसला है। ये तो बड़ी सख्त तरीन वईद आई है खुशबू लगाकर औरतों के लिए। औरतों के लिए अहकाम जो हैं, मर्द आदमी ऐसी चीज़ इस्तेमाल न करे जिसमें रंग हो, जिसमें रंग हो। जैसे मेहंदी है, मेहंदी मर्दों के लिए नहीं है, रंग उसके अंदर है। रंग हो, ये औरतों के लिए है, रंग वाली चीज़ें ये इस्तेमाल करने का जो मामला है, मेहंदी वगैरह का जो इस्तेमाल होता है औरतों के लिए, मर्द आदमी के लिए जिसमें रंग हो वो मर्द आदमी के लिए नहीं है, औरतों के लिए। और जिसमें खुशबू हो, खुशबू महक वाली खुशबू, खुशबू फैलने वाली बू, जो खुशबू होती है वो औरतों के लिए नहीं है, बाहर निकलने के लिए। जी घर में अपने महरम रिश्ते हैं, बाप है, भाई, सगे भाइयाँ हैं, वालिद है, खुसर भी है, जी शौहर है, बेटे हैं, पोतरे हैं, नाते नवासे हैं, ये महरम रिश्ते हैं, मामू है, चाचा है, महरम रिश्ते हैं ये हैं। वो ऐसी खुशबू लगाई कि खुशबू महक है उसके अंदर, खुशबू फैल रही है, तो फिर कोई पकड़ नहीं, कोई मुआखजा नहीं और कोई मजम्मत वाली बात नहीं है। बाहर निकलने का जो मामला है, और इसी तरह घर में भी इसी तरह से एहतियात कि जहाँ पर जॉइंट फैमिलीज होती हैं, जी जॉइंट फैमिलीज, जॉइंट फैमिली जी, दो चार भाइयाँ, चार आठ भाइयाँ एक जगह जी, फिर दीगर देवर जेठ जी और चचा ससुरे, मामू ससुरे या ऐसे इस तरह के, फिर या देवर के जेट के बच्चे, ये जो मामला, इस तरह के जो रिश्ते जो गैर महरम रिश्ते हैं, वैसे मकाम पर भी वो सब के दरमियान में अगर है तो ऐसी खुशबू इस्तेमाल नहीं करना है। बाहर निकलना का, बाहर भी निकलना है तो खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जिसमें बू होती है, बू पे महक वाली जो खुशबू होती है, वैसी खुशबू औरतें इस्तेमाल न करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बात की बड़ी सख्ती से तंबीह फरमाई है कि वो औरत जो ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करती है, वो जिसकी खुशबू, उसकी इस्तेमाल करदा खुशबू गैर मर्द के नाक तक पहुंचती है, यानी गैर मर्द लोग, गैर लोग सूंघ लिए, गैर मर्द के नाक तक पहुंच गई। लाजमी बात है, जब बाहर निकलेंगे आप, फंक्शंस में जा रहे हैं आप, जी फंक्शंस में भी गए, लेडीज़ में भी अगर चले जा रहे हैं, लेकिन लेडीज़ में कौन सी एहतियात होती है, उसमें भी तो गैर मर्द अंदर आते हैं। ये आता है कैमरे वाला, पहले से इस्तकबाल में उन्हें ठहरा हुआ रहता कैमरे ले लेके, जी फिर वेटर्स होते हैं, ये कुपी मर्द गैर मर्द हैं सब। तो ये सब जो मामलात है, ये भी ऐसी जगह क्या खालिस औरतों की महफिल, औरतें ही सिर्फ हैं। तो लेकिन बाहर निकलने में जो रास्ता, जाने में भी जो मामले, वहाँ बद एहतियाती होंगी होंगी। तो इतनी सख्त तरीन वईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसी औरत खुशबू का इस्तेमाल करती है तो जिसकी खुशबू की महक गैर मर्द के नाक तक पहुंचती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत का हश्र, उस औरत का नाम बदकार औरतों में लिख देता है। कितनी बजम्मत की बात है, बदकार नहीं है, फाहिशा नहीं है, बदकार नहीं है, लेकिन उसके इस अमल की बिना पर ये चीज़ें होती हैं जो गुनाहों को परवान चढ़ाती हैं, गुनाहों का माहौल क्रिएट होता है, शैतानी वसावी शैतान अपना काम कर जाता है। जिस तरह से जेवर के मामले में भी
वला तबर्रुज न तबर्रुज जाहिलियत लूला। अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि तुम अपने जेवर को, अपने जीनत को जी जाहिर ना करो। तबर्रुज जाहिलियत लूला, कि ऐसा जेवर जिसमें झनकार हो, जिसमें आवाज़ हो जी, जिसके आवाज़ की वजह से गैर मर्द सुनकर मुतवज्जे हों, देखें और तवज्जो करें इस जानिब में। ये जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें गुनाहों की, गुनाहों का माहौल बनाती हैं। तो ये सब चीज़ें कुरान करीम में मना है। तो इसी तरह खुशबू का मामला भी है। मैं अर्ज कर रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक को यूँ इस्तेमाल, दुल्हन के लिए इस्तेमाल किया जाता कि जो ऐसी खुशबू अहादीस शरीफा में आया कि कीमती से कीमती आतर में भी वो खुशबू नहीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक में। बहरकैफ ये खुशबू है। तो सहाबा इकराम का हुजूर को ढूंढने का जो अंदाज, निराला अंदाज में अर्ज कर रहा था, बस वो यही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ढूंढना होता तो खुशबू से ढूंढ लेते थे। खुशबू से ऐसी खुशबू, मुनफरिद खुशबू, भाई कोई अतर लगाए होंगे भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुजूर की हर चीज़ बेमिसलो बेमिसाल है। वहाँ पर हुजूर की हर चीज़ बेमिसलो बेमिसाल है, उनकी खुशबू भी बेमिसलो बेमिसाल है, उसकी खुशबू जैसी कोई खुशबू नहीं है। तो ये मामलात तो मुल्मोमिनीन के लिए भी आसान, वो निकली देखी तलाश करने के लिए, बस वो पहुँची कहाँ पर, कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में पहुंची जो कुछ फरलांग पर, मदीना जो मस्जिद नबवी से बस कुछ फरलांग पर जो जन्नतुल बकी है, वो मदीने की बस्ती का कब्रिस्तान था। बकी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, उम्मुल मोमिनीन वहाँ तक पहुंच गई, देखा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आसमान की जानिब सर किए हुए, वो कुछ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुनाजात कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन वहाँ पर पहुँची, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और हुजूर ने फरमाया कि आयशा, आज की रात शाबान की 15वीं रात है, यानी शब बरात जो हम कहते हैं, आज की रात अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला नुज़ूल जलाल फरमाता है, उसकी शान के मुताबिक उतर आता है, लोगों के करीब हो जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर आज की रात अल्लाह तबारक व तआला की मगफिरत, उसकी रहमत जोश पर होती है। मौला तबारक व तआला कबीले बनू कल्ब की बकरियों के बालों की तदाद के बराबर लोगों की मगफिरत फरमाता जी। दीगर रिवायतों में आया कि लि जमीउल खल्क, सारी मखलूक की मगफिरत फरमा रहा है अल्लाह ताला, सारी मखलूक की मगफिरत फरमा रहा है। ये शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब की अजमत है, शबे बरात की ये अजमत है। और फिर अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब से ही, मगरिब के वक्त से ही, जैसे ही रात का आगाज हुआ, 15वीं शब का आगाज हुआ, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुजूल फरमाता है और फिर लोगों को आवाज दी जाती है, है कोई मगफिरत का तलबगार, माफी चाहने वाला, बख्शिश चाहने वाला, कि वह हमसे बख्शिश चाहे और हम उसको बख्शिश से सरफराज कर दें। है कोई बीमारियों में मुब्तला, है कोई मुसीबत ज़दा, है कोई आफतों में घिरा हुआ, जो हमारी बारगाह में दुआ करे हम उसकी, उससे उसके आफतों को दूर कर दें, मुसीबतों से उसको छुटकारा अता कर दें। है कोई कर्ज़दार जो बार कर्ज में दबा हुआ है, वो अपने बार कर्ज से छुटकारे की दुआ करे और हम उसे बार कर से रिहाई अता फरमा दे। है कोई ऐसा कदा व कदा कदा तफसीलात आई है अहादीस में, जो लोगों की जो हाजतें, तरह तरह की हाजतें, तरह तरह की लोगों की जो ज़रूरियात होती हैं, वो ज़रूरियात, वो हाजतें, वो मुरादों के हवाले से आसमान दुनिया से निदाएँ दी जा रही है, दी जाती हैं। 15वीं शब के यह होता है, शब बरात के मौके पर यह होता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसकी हाजत पूरी करूं, मैं उसका ये कर दूं, मैं उसका ये कर दूं। अल्लाह, और फरमाया ये सिलसिला चलता रहता है, रात भर ये सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि फज्र हो जाए। अल्लाहु अकबर। रात 14 घंटे, 12 घंटे, जितने घंटे की रात हो,
बंदा मांगते मांगते उकता जाए, मांगते मांगते थक जाए, लेकिन वो करीम अता करते करते नहीं थकता। उसकी अताएं तो ऐसी, मांगने वाला मांगे परवरदिगार जो जितना ज्यादा मांगने वाला है उससे उतना ज्यादा खुश होने वाला है, वैसा करीम और जवाद है रब तबारक व तआला। अल्लाह की शान वो है, ज्यादा मांगने वाले से उकताना वो इंसान की तबीयत में है। जी एक से दो खत मांगे तो हम बेजार हो जाते, धंधा बना लिया क्या बोलते, अरे भाई हैज मांगने वाला, उन्हें हैज मांगने वाला, लेकिन अरे देखो इन्हें तो धंधा ही बना लिया। यही होता ना, कौन नहीं करता, हर कोई करता है। बड़े से बड़ा सखी सखी दाता भी, जिसका नाम होंगे चर्चे होंगे उसकी सखावत के, जी उसकी दातागिरी के, दादागिरी ने दातागिरी के चर्चे होंगे, बड़ा दाता है बोलकर, वो भी एक से दो, दो से तीन, तीन से चार वक्त ने तो वो बोल, ये तो धंधा ही बना लिया इन्हें, बोल उकता जाता है, उकता जाता है। हालांकि उसको ने जो भी उसको दे रहा, उसके देने से उसके पास जो कुछ है उसमें कुछ कमी भी आई जैसी नहीं रहती, समंदर में से कतरा बोलते ना जैसा, ऐसा ही कुछ भी होगा लेकिन फिर भी उकता जाता। लेकिन अल्लाह की शान ये है, जो जितना ज्यादा मांगने वाला है ना वो करीम, उससे उतना ज्यादा खुश होता है, उतना ज्यादा खुश होता है, उसके हाथ तो कोई कमी है ही नहीं। समंदर में से खतरा बोले भी तो गुस्ताखी है, वो भी नहीं है वहां पर तो, जी वो तो बस अताएं ही अताएं उसके पास। वो पाक पर रात भर ये बंदों को निदाएं दी जा रही है कोई है, जो मांगना है मांगो। वो मालिकुल मुल्क है परवरदिगार, सारी बादशाहतों का मालिक, खल्लाक कायनात, सारी कायनात का पैदा करने वाला भी मालिक भी है, खालिक भी है, पैदा ही नहीं कि पैदा भी कर दिया, उसी की मिल्कियत में है, उसी की मिल्कियत में सब कुछ है। अल्लाहु अकबर, निदाएं दी जाती हैं, है कोई मांगने वाला। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मामला होता है ये रात, ये रात वो रात, फरमाया कि रात अल्लाह ताला की मगफिरत आम, मगफिरत आम है, ऐसे बख्श, ऐसी बख्शिश, ऐसी बख्शिश। अब इसमें मगफिरत की दुआ करने वाला तो यकीनी तौर पर उन्हें तो कन्फर्म इनाम और मगफिरत का मुजदा उसको मिलेगा ही, मांगने का ईमान वाला, ईमान ईमान वाला मांगा ये तो है उसको मिलने का। वहां पर तो मगफिरत आम है, ऐसे ऐसे जिनका मांगने का भी तज़किरा और हवाला नहीं है, अल्लाह ताला सारी मखलूक की मगफिरत फरमा रहा, ऐसी मगफिरत जोश पे पकड़ पकड़ कर दिया जा रहा है। बोलते हैं ना भाई, जाने वालों को भी पकड़ पकड़ कर दे रहे, बोलकर हम लाइन में ठहरे हुए जो हैं, मांगने वाले जो हैं मांग रहे हैं, इनको तो देने का चल रहा सिलसिला, लाइन में नहीं है, जाने वालों को पकड़ पकड़ कर दिए। बोलते देखिए ऐसा मामला आज की रात का मामला है, शबे बरात का मामला, अल्लाह ताला ऐसी मगफिरत फरमाता, ऐसी मगफिरत जहां पर सारी मखलूक की मगफिरत का ऐलान है, अल्लाह ताला की सारी मखलूक की मगफिरत। अब मगफिरत वो फरमाने पे आए तो उसको कौन रोकने वाला, उसका जाने का क्या है, वो मगफिरत फरमाने पे आए। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला के साथ ऐसे भी ऐसी भी उम्मीद अपने अंदर और इस तरह से भी उम्मीद, नाउमीदी से दूर उम्मीद, ऐसी उम्मीद ऐसी ऐसी कि हमारे अंदर सरकशी पैदा कर दे, बेअमली का जज्बा पैदा कर दे, जी गुनाहों पर जुरत पैदा कर दे, ये बड़ी नुकसान दे, ये बड़ी नुकसान दे। हाँ अल्लाह ताला की जात से उम्मीद रखना है, गुमान अच्छा रखना है, गुनाह इंसान है, इंसान निसियान से भी है, इंसान उन से भी है, इंसान जो बना है ना, इंसान का जो लफ्ज है इसका मादा उन्स भी है, उन्स बोले तो उन्सियत है इसके अंदर, किसी से भी मानूस हो जाता है कलाम करने की, और उन्स उसकी तबीयत में है, अगर अकेला बोले तो बौरान हो जाता है, भाई काटने आ रहा भाई माहौल, कोई पुरसाने कोई पूछने वाला नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि तबीयत में उन्स है उसके, इंसान है उन्हें, वही कोई हाय हलो करने वाले, अलग सलेग करने वाले
ये जो होते हैं ना उन तबीयत लग जाती है वहां पर, उनसे उसकी तबीयत, उसी से इंसान बना। और एक उसका मादा निसियान भी है, निसियान माने भूल, है ना, निसियान, इससे भी इंसान बना है। तो निसियान भी इसमें अंदर है, भूल भी है इसके अंदर। ये जो भूल होता है, भूल होती है, अल्लाह ताला ने फनसी हजरत आदम के अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल फरमाया था, बस वो भूल गए, निसियान हो गया उनसे, हजरत आदम से। तो इंसान है निसियान, भूल से गलतियां सरजद होती हैं, चूक होती है, भूल से भी होती हैं, ये जो हो जाती है। लेकिन जितनी गलतियां हुई हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात से जो वो जो उसके उम्मीद जो रखने का है, वो उम्मीद का रिश्ता कभी भी नहीं तोड़ना, अल्लाह तबारक व ताला की जात। इसीलिए रब तबारक व ताला ने फरमाया ना, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ, यानी गुमान होता ना भाई, जरा अच्छा गुमान रखो भाई, बोलते हैं भाई आपके ताल्लुक से मेरा गुमान सही नहीं था, माफ़ करना, ऐसा मैं तो ऐसा गुमान कर रहा था लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया, ये गुमान जो होता है। तो ये अल्लाह ताला का फरमान हदीस कुदसी में आया, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, बंदा मेरे ताल्लुक से जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा मामला करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ भी करे तो आप ऐसा गुमान ही नहीं बल्कि यकीन से करें कि मैं किससे मांग रहा हूं, मैं वहाब से मांग रहा हूं, खूब अता करने वाले से मांग रहा हूं, मैं रज़ाक से मांग रहा हूं, खूब और नवाजने रिस्क देने वाले से मांग रहा हूं, मैं मालिकुल मुल्क से मांग रहा हूं, मैं रब्बुल आलमीन से मांग रहा हूं, मैं कादिर मुतलक से मांग रहा हूं, हर शय उसके कुदरत और इख्तियार में, उससे मांग रहा हूं। वो यकीन अपने अंदर रहे, उस यकीन के साथ अल्लाह से दुआ कर जी, उसके वो उसके उस फरमान को भी जहन में रखकर, उजीबु दावत दाई दा दान, जब दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूं, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं, मैं दुआ कर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला तो ये पुकार का जवाब देने वाला, सुनने वाला, देखने वाला। तो वो यकीन अपने अंदर अल्लाह ताला की जात के ताल्लुक से, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं जिस तरह वो मेरे साथ गुमान, मेरे साथ गुमान रखता है, मेरे मुताल्लिक गुमान रखता है, मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूं। अल्लाह ताला के साथ गुमान कैसा करना, ऐसा गुमान रखना है, गलती हो गई लेकिन मेरा रब गफ्फार है भी। आज की रात, ये रात लोग रात की फजीलत सुन लिए भाई, ये रात लैलतुत तौबा है, तौबा की रात है जी, तौबा की रात है, इस रात का नाम लैलतुत तौबा है। तो ऐसे नहीं है कि दीन इस्लाम में कोई ऐसी रातें रख दी गई हैं, बस ये रात है, आपको तौबा करना है तो ठीक है, जब तौबा करना, शाबान की 15वीं आती ना उस वक्त में तौबा कर लेना जी। आपको कुछ मांगना है, क्या मांगना है, अच्छा कारोबार में बरकत होना है, अच्छा ठीक है, आप फुला दिन का इंतज़ार करो आप जी जी, आप बीमार हैं, अच्छा बीमारी से शिफा की दुआ मांगना है, तो आप एक काम करो, आप रुक जाओ, अब फुला दिन आएगा, फुला महीने में फुला तारीख, जब आप मांग लेना, ऐसी कोई कयूद नहीं है जी। ये आज की रात तो एक मखसूस एतबार से कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत जोश पर है, वो तो पाक परवरदिगार, हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं, वो मामला कि इंसान गफलत में सरबसर इधर उधर है, जबकि उधर आवाजें दी जा रही है कोई मांगने वाला है, कोई मांगने वाला, और इंसान है कि यूं 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 अपनी दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की गफलतों में, दुनिया की मशगूलियात और दुनिया की मसरूफियतों में पड़ा है, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल ब करम है, करम करने पे आमादा हैं हम, लेकिन कोई मांगने वाला ही नहीं, राह दिखलाए किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं, कोई राह चलने वाला ही नहीं है, तो रास्ता बताएं किसको। ये मामला, ये मिज़दाक हो गया हमारे हालात का। तो ऐसा कोई नहीं, तौबा करना है, वो दिन का इंतजार नहीं,
आज तो आ गई लैलतुत तौबा, लेकिन हर साथ हर घड़ी साथ तौबा है। अल्लाह तबारक व ताला की शान रहमत है, बंदा रात की किसी घड़ी में, किसी दिन, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज, साल के 12 इस्लामी महीनों में से किसी महीने में कोई तारीख हो, कोई दिन, इतवार, पीर, मंगल, चारशंबा, ये भाई ये दिन नहीं, वो दिन नहीं, ऐसा भी किसी भी दिन, किसी भी वक्त, कोई ऐसा नहीं कि भाई दुआ दिन में करना पड़ेगा, अब तो रात हो गई जी, होता है ना भाई, ये तो ऑफिस का टाइम खत्म हो गया अब जी, अब ऑफिस का टाइम इतने बजे शुरू होता, अर्जी दाखिल करना है आपको जी, एप्लीकेशन सबमिट करना है भाई, 10 बजे कल खुलेंगी ऑफिस, ये सब चलते, कोई भी वक्त, दिन का, रात, रात तो वो ये कामों के लिए रात तो बड़ी बड़ी शानदार होती, दुनिया के काम रुक जाते होंगे रातों में, दुनिया के काम काज, कारोबार, जिंदगी जी, दफ्तरी काम रुक जाते होंगे, लेकिन रात का वक्त उस बारगाह ईज़दी के लिए तो बहुत ज्यादा मुजर्रब। दुनिया गफलत की नींद सोती है, सब गफलत में अपनी पड़े हैं, फिर कोई अगर उसकी तरफ पलट कर आता है तो फिर उसका मामला उस वक्त में तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में बड़ा निराला होता है। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों की खास करके जो रातों में, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी, अल्लाह ताला ऐसे उनके निराले अंदाज में उन लोगों की ऐसी तारीफ बयान फरमा रहा है, अरे ये तो वो है कि लोग जब बिस्तरों से चिमटे रहते हैं, इनके पहलू बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं, ये बिस्तर छोड़कर उड़ जाते हैं, अनिल मज़ा यदऊना रब्बहु, अपने रब को पुकारने लगते हैं, रब की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, उसको पुकारते हैं, दुआ करते हैं, मुनाजात करते हैं। अल्लाह ताला तो उनकी ये निराली शान बयान करता है, वो कोई वक्त तौबा हो, बीमारी से शिफाया भी, मुसीबतों से छुटकारा, कोई भी वक्त, दुनिया का कोई भी वक्त, सुबह शाम का कोई भी वक्त, कोई भी महीना, कोई भी दिन, कोई भी रात, किसी भी लम्हे आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर सकते, कोई कभी बंद होने वाला नहीं है उसका दरवाजा, कभी बंद होने वाला नहीं है उसका दरवाजा, बंदे के लिए खुला है हजरत गिरामी, और दुआ कबूल होती है, लेकिन यकीनी तौर पर कबूल होती है कबूलियत के लिए, जो शरायत बयान किए गए बंदे के लिए कबूलियत के लिए, दुआ की कबूलियत के लिए, वो शरायत को भी मलहूज रखना है, उन शरायत का भी ख्याल रखना है, जिस तरह से एक मोटी शर्त के तौर पर उसके अंदर है कि इंसान का जी लुकमा हलाल लुकमा हो, उसका लुकमा हलाल, लुकमा हलाल हो, पेट में उसका जो निवाला जाता है वो हलाल का लुकमा हो, उसके जिस्म में जो खून रवा है वो हलाल लुकमे से बड़ा बना हो, ऐसा, क्योंकि बाज़ाब्ता आई रिवायात में ऐसी वजाहत के साथ में आई ये बातें कि उनकी दुआएं अल्लाह ताला कैसे कबूल करे कि जिनका खाना हराम, ओढ़ना हराम, पीना हराम, खाना हराम हो उनका, तो इनकी दुआएं अल्लाह ताला कैसे कबूल करेगा। हजरत गिरामी, खैर ये दुआओं का चैप्टर अलहदा है दुआ की कबूलियत के लिए, आज की रात शब बारात के मौके पर जहाँ पर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी मखलूक की मगफिरत अल्लाह ताला फरमा रहा है, सारी मखलूक की मगफिरत अल्लाह पाक फरमा रहा है, अल्लाहुस्समद। महज शाबान का महीना भी आता है, मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक वाक़या लिखा है किताब में कि एक साहब बड़े बुजुर्ग बड़ी शख्सियत थी, उनके किसी शिनासा का इंतकाल हो गया, जान पहचान के थे, उनका इंतकाल हो गया, उनके इंतकाल के बाद में उनको ख्वाब में देखा गया, ख्वाब में देखा गया तो बड़ा उनके साथ में चेहरा उनका तब्दील हो गया है और चेहरे पे कुछ
आसार हैं जो चेहरे की जो कैफियत थी वो कैफियत बदली हुई थी। उनसे हाल पूछा कि कैसे हाल, कैसे अहवाल है, क्या मामला हुआ है। फिर उन्होंने तफसील कुछ बताई कुछ इस तरह से, मेरा इंतकाल होने के बाद में जी मेरे साथ हिसाब किताब का मामला बड़ा सख्त रहा जी, फरिश्ते आए और फिर कुछ ऐसे मेरे आमाल ऐसे कुछ थे कि मेरे साथ में फरिश्तों का जो कुछ सलूक था बड़ा सख्त तरीन मेरा साथ मामला रहा। लेकिन यही हालात चलते रहे, इसी बीच अचानक ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये ऐलान हुआ कि माहे शाबान का महीना, शाबान का महीना आ गया है। ये जो कब्र के अज़ाब में जो मुब्तला है, अज़ाब में जो गिरफ्तार लोग हैं, इन तमाम को अज़ाब से छुटकारा दे दिया जाए। महज शाबान का महीना आया, वो तो कब्र में भी पहुंच गया है, वहाँ पर जाने के बाद तौबा तिल्ला की भी गुंजाइश नहीं है जी, तौबा करता हूँ मैं नहीं, ख़त्म, गुंजाइश यहीं पर, बल्कि यहाँ पर भी मौत को यकीनी जान लिया कि मौत कंपल्सरीली मौत अब आने वाली है। जब यकीन की अपनी निगाहों से मौत को देख रहा है, अभी सांस चल रही, अभी जान बाकी है, तब भी मैं तौबा करता हूँ, बोले तो वैसे वक्त में तौबा भी कबूल नहीं है, वैसे वक्त में तौबा भी कबूल नहीं, जो सकरात का आलम बोलते, यानी सकरात बोलते मौत की सख्तियाँ शुरू हो गई, अब उसको यकीन हो गया कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, वो कैफियत के बिल्कुल मौत को अपने आंखों से देख रहा, उस आलम में जो उस मंजिल में चला गया, अभी है जान बाकी, अभी जान बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस दुनिया में रहते हुए भी तौबा नहीं कर सकता, कर भी लिया तो कबूल होने वाली नहीं है। हत्ता यतगर गर बोलकर, हदीस में अल्फाज आए, यहां तक के जी गरगरा यानी सांस जाने से पहले गर गर चलती सांस, जो कैफियतें अगर जो जी सडनली मौत होने वाली तो हो जाती है ऐसी, लेकिन जो कैफियतें तारी होकर स्टेप बाय स्टेप सकरात के आलम में इंसान जाके जब गुजरता ना, तो जब सांस चलती ना तो आवाज़ खुद गर 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 आवाज़ ऐसी आती। बहरहाल अल्लाह ताला सबको मौत की सख्तियों से बचाए। सकरात बोलते हैं, सकरात सख्तियों को कहते हैं, सकरातिल मौत, मौत की सख्तियाँ आए। अल्लाहु समद, यहाँ तक फरमाया गया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला बंदे के लिए कोई और अजाब ना भी रखता, बंदे के लिए कोई और अजाब ना भी रखता, मौत की सख्ती ही जो मौत का वक्त, मौत आते वक्त जो सख्तियाँ होती हैं, मौत की जो सख्तियाँ हैं, यही उसके लिए काफ़ी हो जाती, ऐसी सख्ती होती है। वो कैफियतें बयान की गई, कैसी, फरमाया एक मिसाल हुजूर ने बयान फरमाई सकरात की, जो कैफियत होती है कि मलमल का कपड़ा जी रेशम होता है, मलमल का बिल्कुल पतला मलमल का कपड़ा है, कांटीदार दरख्त है, कांटे भरे हुए दरख्त पर, उस मलमल के कपड़े को कांटीदार दरख्त पर डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, फैल गया ऐसा डाल दिया आप, कांटीदार दरख्त पर मलमल का कपड़ा डालकर मलमल के कपड़े को आप वापस खींचिए, आ जाता है इसमें नहीं, तार तार हो जाता है मलमल है, तार तार हो जाता है, अटक कर तार तार हो जाता है मलमल का कपड़ा। तो ये कैफियत मौत की जो सख्ती है, सकरात की जो कैफियत है, उसकी मिसाल ये बयान की गई कि ऐसी कैफियत होती है। अल्लाह ताला महफूज रखे, सकरात का वक्त बड़ा सख्त होता है, मौत की सख्तियाँ जो होती हैं बड़ी सख्त तरीन कैफियात होती है। ये अल्लाहु समद, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा का जो मामला है, ये मरने के बाद वो तो मौका ही नहीं है, दुनिया में भी वो वक्त आने से पहले, वो वक्त हर एक का इंडिविजुअल है वो, और इज्तिमाई तौर पर यानी सबको एक साथ में एक वक्त आएगा, वो
तौबा कबूल जो नहीं होगी वो एक अलामत है, क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत है। वो ये जिस तरह से मुख्तलिफ अलामतें, दज्जाल निकलेगा, दाबतुल अर्ज़ कि नहीं, एक ज़मीन का एक जानवर है जो लोगों से गुफ्तगु करेगा जी, और तरह तरह की अलामत, क़ियामत की अलामतें आई हैं जो क़ियामत से पहले दुनिया में ज़ाहिर होंगे। एक अलामत ये कि सूरज रोज़ाना जो मशरिक़ से निकलता है मगरिब में डूबता है, मशरिक़ से निकलता मगरिब में डूबता, यही उसका अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। लेकिन एक अलामत, क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि जो मगरिब में जो सूरज डूब गया वापस फिर मगरिब से निकलेगा, वापस फिर मगरिब से निकलेगा। तो वो एक अलामत ऐसी है क़ियामत की अलामतों में से कि वो अलामत जब ज़ाहिर हो जाएगी, डूबा हुआ मगरिब में डूबा हुआ सूरज मगरिब से जब निकलेगा तो अल्लाह ताला उसके बाद फिर किसी की तौबा कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला उस वक्त से पहले हमें तौबा नसू के साथ अल्लाह ताला हमें मौत अता फरमा दे ईमान के हालत में, तो उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। खैर ये साहब तो कब्र में ही है, आलम बरज़ख में, उनको तौबा का क्या चांस ही नहीं है, वहाँ तौबा का मकाम ही नहीं है। तौबा भी है तो यहीं से, नमाज पढ़ना है तो यहीं पर है, तौबा तिल्ला यहीं पर, इस्तिगफार यहीं पर, दुनिया में ये मौका, ये मरने के बाद तो बस कुछ नहीं, ले जाना है कब्र में। अमल मुनक़ते हो जाता है, अमल इंसान का जो अमल है मुनक़ते हो जाता है, जो कुछ है उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है, अकाउंट क्लोज हो गया बोलते हैं ना जी। बुराइयाँ भी जो है जितनी कर क्या वो बुराइयाँ उसकी अपनी उसके साथ, नेकियां जो कुछ उसने अमल किए वो नेकियां उसके साथ, उसका अपना अकाउंट क्लोज हो गया वहाँ पर, ये मामला है। तो वहाँ पर वो साहब तो अब वहाँ पर ये मामला कि शाबान, वो कहने लगे कि जब शाबान ये ऐलान अल्लाह ताला की तरफ से हुआ कि जितने अजाब में गिरफ़्तार जितने हैं मुर्दे, जितने मुर्दे जो अजाब में गिरफ़्तार है इन तमाम को अजाब से छुटकारा दे दो क्योंकि शाबान का महीना आ गया है बोल। तो ये शाबान के महीना और शब बरात का ये मौका जो है अल्लाह ताला की मगफिरत आम हो जाती है इसके अंदर। तो उसके बाद वो अलामत और चेहरे की जो तब्दीली का जो मामला उन्होंने बताया कि वो जो मामला उस वक्त जो चलता रहा उसकी वजह से मेरा चेहरा ऐसा कुछ बदल गया है बल्कि अल्लाह हज़रत गिरामी, ये अल्लाह ताला की मगफिरत का आज की रात खसूसियत के साथ तौबा व इस्तिगफार का मामला है। अब मामलात जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्रस्तान तशरीफ़ ले गए अहले बकी के पास जाकर, बकी यानी कब्रस्तान वाले, बकी में जो मदफून है उन तक हुजूर वहाँ तशरीफ़ ले गए। उम्मुल मोमिनीन वहाँ पहुँची हुजूर को तलाश करती हुई, हुजूर उम्मुल मोमिनीन से फरमाए कि आज की रात आयशा ये ऐसी रात है कि इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, नुज़ूल जलाल फरमाता है और बंदों के साथ ये सब कुछ मामलात होते हैं और बंदों की मगफिरत अल्लाह ताला फरमा रहा है। हज़रत गिरामी वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद इंतबाह दिया कि इनमें से चंद ऐसे बदनसीब लोग, हिरमा नसीबी है उनकी, महरूमी है उनकी, ऐसे लोग हैं जिनकी आज की रात भी अल्लाह ताला जिनकी मगफिरत नहीं फरमाता। मुशरिक तो मुशरिक ही है, शिर्क में मुब्तला, अल्लाह ताला की ज़ात सिफात में किसी को शरीक करता, अल्लाह के बराबर ठहराता, सिफती एतबार से भी सिफात में कोई भी सिफत में अल्लाह जैसी सिफत किसी के अंदर अगर कोई मानता है, अल्लाह जैसी सिफत किसी के अंदर कुछ मानता है, अल्लाह देने वाला है जी, अल्लाह रज़ाक है, राज़िक है अल्लाह ताला, रिज़्क देने वाला जी अल्लाह को, वो बिज़ात अपनी ज़ात से अपनी कुदरत अपने इख्तियार से, अल्लाह को किसी ने राज़िक बनाया नहीं, वो अपनी ज़ात से राज़िक है। इस तरह की कोई भी सिफत देने वाला रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला खैरुर राज़िकीन फरमाया, अल्लाह रिस्क देने वालों में सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है, यानी और भी रिस्क देने वाले अल्लाह ने बनाए हैं और भी हैं लेकिन बेहतरीन खैरुर राज़िकीन पढ़ते हैं, वल्लाहु खैरुर राज़िक, और अल्लाह रिस्क देने वालों में सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तो राज़िक कोई और भी हो रहा है लेकिन राज़िक अल्लाह अपनी ज़ात से अपने इख्तियार से अपनी कुदरत से अपनी ज़ात से
वो हमेशा से हमेशा हमेशा रहने वाला, ये सिफत या कोई भी सिफत, सुनने वाला, देखने वाला है, और भी देखने वाले हैं, सुनने वाले और भी हैं, लेकिन अल्लाह जैसा सुनने वाला कोई और, किसी और को सुनने वाला मान सकते नहीं, अपनी जात जितने और हैं अल्लाह के बनाने से, अल्लाह के सुनने वाला बनाने से सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला बनाया तो देखने वाले हैं, अपनी जात से देखने वाले कोई नहीं है, अपनी जात से सुनने वाले कोई नहीं, अपनी जात से मदद करने वाले कोई नहीं, अल्लाह ही है जो अपनी जात से मदद करने वाला है, और मदद करने वाले हैं तो अल्लाह की अता से मदद करने वाले, अल्लाह ने उनको मदद करने की सलाहियत दी, मदद करने की ताकत और कुव्वत दी तो वो मदद करने वाले हैं, अल्लाह की मदद करने वाले हैं, अल्लाह भी मदद करने वाला है, तो अल्लाह जैसा मदद करने वाला है वैसा तो कोई ईमान वाला किसी और को मान ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता। हाँ, अल्लाह मदद करने वाला अपनी जात से, अपनी कुदरत, अपने इख्तियार से, उसकी जैसी मदद होती है ऐसी किसी और के लिए कोई भी सिफत नहीं मान सकते आप, ये शिर्क होता है। अल्लाह ताला मुशरिक की मगफिरत ने जात में, सिफात में, जी ये सिफत ही सिफत में होता है, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, मुशरिक की मगफिरत नहीं होती, ना उसकी कोई शफात, ना उसकी कोई सिफारिश, जी शिर्क में मुब्तला हो, शिर्क के अकबर है, शिर्क के असगर होता है, एक यानी अकबर असगर बोले तो, अकबर बोले तो बड़ा, असगर बोले तो छोटा। शिर्क अहादीस में आया है, हदीसों में शिर्क के असगर एक बयान किया, वो शिर्क के असगर रिया, दिखावा, शोहरत तलबी, कोई भी आप अमल कर रहे हैं वो अमल किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये चीज का ऐलान होता नहीं है, ये ऐसा शैतान का ऐसा हरबा है, इसके जरिए से इंसान को गोया शिर्क असगर कहा गया, यानी छोटा शिर्क है, छोटा शिर्क है। कोई भी अपनी इंसान नेकी कर रहा है, वो नेकी करते वक्त अल्लाह के वास्ते राजी, अल्लाह को राजी करने का जज्बा, अल्लाह पे नजर नहीं, लोगों के दरमियान अपनी शोहरत, लोगों में मेरा नाम नमूद हो, जी मेरी नेकी के चर्चे हो, मेरी सखावत के चर्चे, मेरी इबादतों के चर्चे, मेरी तिलावत कुरान के चर्चे, मेरे नेकियों के चर्चे लोगों के, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये है शिर्क असगर, इसको भी शिर्क कहा गया, लेकिन ये शिर्क असगर इसको कहा गया, इसमें जैसा इंसान दीन से खारिज हो जाता वैसा नहीं है, जैसा शिर्क अकबर का जहाँ अल्लाह की ज़ात सिफात में जो शरीक करा तो ये दीन से, इस्लाम से खारिज है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही, वो जो आयत है कि अल्लाह ताला शिर्क की मगफिरत नहीं फरमाता, व यग़फिरु मा दूना ज़ालिक, शिर्क के अलावा जो है, शिर्क के सिवा जो कुछ गुनाह है अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ फरमाता है, लेकिन शिर्क की माफ़ी नहीं, शिर्क की मगफिरत नहीं है, वो शिर्क अकबर। ये शिर्क असगर जो होता है, ऐसा नहीं कि आप किसी को, ये चीज़ें तो बहुत ऐसा बारीक है ये काम, तो बहुत बारीकी से काम पहचान दिए बोलते, देखिए हाँ एक लफ्ज़ होता है इस्तेमाल, यानी कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई महसूस तक नहीं हुआ लेकिन काम पहचान दिया बोलते, यानी उसको जेर कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, अरे बहुत बारीकी से काम पहचाने बोलते, बहुत बारीकी से काम पहचाने उस्ताद बोलते, ऐसा नहीं, महसूस तक नहीं हुआ बोले। शैतान इबादतों को बर्बाद करता है इसके ज़रिए से, इसको शिर्क असगर कहा गया ये, लेकिन इसका मामला ये कि कल क़ियामत के दिन बंदा ये वो, लेकिन उन्हें अपने गुमान में, इधर तो नियत ऐसी बन गई दिखावे की, शोहरत की, नाम नमूद की, लेकिन साथ ही साथ वो नेकियों को, वो सजदों को, वो अपने खैर खैरात या उन नेकियों को अपने अकाउंट में उन्हें काउंट कर रहा है कि मैं इतनी नेकियां करा, इतने हज करा, इतने उमरे करा, इतनी वो करा, इतनी फुलां करा, इतने फुलां करा, जी इतने, ये जो होता है अपने उस हिसाब से उन्हें ये अपने अकाउंट में काउंट कर लिया, भाई इतना तो, इतना सब कुछ जमा कर लिया मैं, वो कल क़ियामत के दिन
अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी होगी, बंदा कुछ भी नहीं है नेकिया, इतने जो करा था इतने तो हज, सीधा सीधा गिनती उंगलियों पे गिन लिए तो इतने 15-20 तो हज है मेरे, यहाँ तो एक भी हज नहीं दिख रहा। अरे 25 तो उम्र है मेरे, 25-30, एक भी उमरा नहीं है अकाउंट में, किसी और का तो अकाउंट नहीं आ गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, सवाल ही पैदा उसी का है। अरे तो उसका जिसका नाम है अमाल उसका ही नाम है अमाल रहेगा वहाँ, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। बोले मौला में इतनी ने किया, उतने ने किया, उतने ने किया, उतने वो सब क्या। अल्लाह पाक फरमाएगा कि तूने किया है, ठीक यकीनन किया है, लेकिन तूने किसको दिखाने के, मुझको राज़ी करने के लिए किया? तू तो दुनिया को दिखाने के लिए किया, फुलां को दिखाने के लिए किया, फुलां के सामने अच्छा बनने के लिए किया, ये किया उसके लिए, वो किया उसके लिए, वो वक्त वो ने किया था, लेकिन वहाँ पर फुलां को दिखाना मकसूद था, फुलां के पास अपना अपना जो अपना नाम नमूद करना मकसद था। ये तो जाके वहाँ से ले ले उसका अजर, जिसको बताने के लिए किया था, जिसको दिखाने के लिए किया था, मेरे पास अजर नहीं है उसका, उसके पास से ले ले जाके, जिसके लिए किया था उसके पास से ले ले। ये शिर्क असगर होता है, ये पर इसका बहुत 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 हसास मैटर होता है, बहुत हसास। ज़ाहरी तौर पर तो इंसान नेकियों में लगा हुआ, इसमें लगा हुआ, बारीक काम होता है वहाँ पर, ये शैतान की तरफ से ये काम होता है बारीक। अरे बहुत बारीक काम करती है, बारीकी से काम पहचान दिए जैसा हो, पता ही नहीं चलता काम हो जाता। इससे बचना, शैतान के ऐसे ऐसे वार है कि कोई ऐसा है भाई कुन जहन नाकारा किस्म का दुश्मन है तो अरे इसको तो देख लेता हूँ बोलता हूँ, अरे उन्हें कर ही क्या सकता हो कि उन्हें दुश्मनी करा तो वो दुश्मन हर एतबार से बासलाहियत बड़ा आखिरी कारीगर है। बोले तो कब कहाँ काम पहचान देता कि बोल के वो आप डरते रहते भाई, अरे खतरनाक है भाई, कहाँ किधर क्या पर गेम खेल देता कि उन्हें बोल कर है ना। शैतान तो शैतान है, अल्लाह ताला से मोहल्लत लिया सोए हो भी, अल्लाह ताला से मोहल्लत लिया सोए, अल्लाह मुझको मोहल्लत दे दे, अल्लाह ने मोहल्लत दे दी क़ियामत तक के लिए मोहल्लत, अल्लाह ने फरमाया जा इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा तुझको मोहल्लत दी जाती है, अल्लाह ने मोहल्लत भी दे दी उसको, ढील भी दे दी अल्लाह ताला ने, और बड़ा आखिरी उन्हें। ये जो शिर्क असगर है उससे अपने आप को बचाने के लिए बहुत बारीकी बार बार गौर व खौस करना, कहाँ पर नीयत का जायज़ा लेना, नीयत का जायज़ा लेना। जो कुछ झाड़ियाँ उगती हैं ना, दरख्त उगते हैं तो जो उसके अंदर बहुत सारे नाकारा पौधा जो उठता है, तो ऐसी नाकारा खेतियों में भी होता है, उसमें ऐसी जिसको फजूल की और नाकारा जो चीज़ें उठ जाती हैं उसको काट छाट करे तो सही सब्ज़ाज़ार उगता है, दरख्त भी पनपता है, खेती भी उगती है अच्छे अंदाज से, नहीं यूँ ही अगर छोड़ दिए बोले तो सब वो भी बर्बाद हो जाती है। तो हम अपनी नेकियों को इस अंदाज से, वो काट छाट शैतानी जो उसके हरबे हैं उन हरबों से महफूज रख कर अपने नाम आमाल को मुस्तहकम करना, नेकियों से आरास्ता करना और नेकियों से भरना, लेकिन साथ ही साथ ये काम करते रहना ज़रूरी होता है। मुशरिक की मगफिरत नहीं होती आज की रात, और मज़ीद फरमाया आज की रात क़त्अ ताल्लुक़ करने वाले, क़ातिउर रहीम, रिश्तेदारियाँ तोड़ने वाले, रिश्तेदारी तोड़ लेने वाले जो होते हैं, यहाँ तक आया है अगर कोई रिश्ता ताल्लुक़ रहीम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रहीम रहमान से, मेरे नाम रहमान से मुश्तक निकला हुआ है, रिश्तेदारी को रहीम बोलते हैं, रिश्तेदारी को रहीम बोलते हैं अरबी में, क़ातिउर रहीम, ये रहीम राहा मीम जो है ना, ये रहमान से निकला है, जो इसको काटेगा फिर मैं उसको, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसको देख लूँगा। अल्लाहु अकबर, ये बहुत हसास दुनिया की गर्ज़ो गायत के लिए है, दुनियावी मफादात अपने हासिल नहीं होते, दुनियावी एतबार से कोई नुकसान किसी से पहुँच जाता है, दुनियावी कोई खसारा हो जाए, दुनियावी एतबार से कोई किसी पर जुल्म कर लेता है,
जी किसी पर जुल्म हो गया फला, दुनियावी जो मामलात होते हैं इसकी बिना पर इंसान अपनी रिश्तेदारियों से क़त ताल्लुक़ कर कर नहीं बैठना है जी। रिश्तेदारियों के क़त ताल्लुक़ यहाँ तक, ये रिश्तेदारियों का मामला तो मामला, यहाँ तक एक मोमिन ताल्लुकात है आलेक सलेक का मामला है। अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन से तीन दिन तक सलाम कलाम बंद कर लेता है, अलग सलेक बोलते सलाम कलाम, सलाम भी नहीं, सलाम करता भी नहीं, सलाम का जवाब भी नहीं देता भी, तीन दिन तक अगर ये मामला उसका हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल नहीं करता। भाई कोई वक्ती तो कोई तकलीफ़ पहुंच गई, कोई इज़ा रसानी का मामला हो गया, कोई ईमान वाले से तकलीफ़ पहुंची, नाराज़गी तकाजा है, बशर है इंसान, बशर है, उसके तकाजे के तहत में एक आध दिन नाराज़गी का, दो दिन नाराज़गी के चलो सलाम कलाम, लेकिन तीसरा दिन आ जाए तो कुछ किसी तरह कोशिश कर कर फिर अपने ताल्लुक़ को उस्तवार कर लेना, अपने बन जो कुछ रिश्ता ताल्लुक़ जो बंधन था उस बंधन की वाबस्तगी इख्तियार कर लेना ताकि इस मजम्मत से बच जाए। कोई बड़ा तीर मार लिए जैसा नहीं है, भाई मैं तो नाराज़ हो गया, मैं तो बातचीत बंद कर दिया, ढट क्या कि किसका क्या होने का है, खसारा नुकसान आपका ही होने वाला, खसारा नुकसान आपका होने वाला हो गई इंसान का, आपको एहतियात करना है, आइंदा मामलात में एहतियात कर लीजिए आप, नहीं भाई उससे मामला करें तो ये ऐसा होता है। जो तकलीफ़ हो गई, तकलीफ़ को तो आप जो रफा दफा कर सकते कर ले, लेकिन ताल्लुकात को अपने उस्तवार कर लें, यही वजूहत है। इसी अपने अना, अपने नफ्स, अपनी ज़ात, अपने माल असबाब की तकलीफ़ अगर पहुँचती है तो इंसान दिल में कीना कपट पार लेता है, दिल में कीना कपट पान लेता है, दिल में कीना। ये ऐसी चीज़ें हैं ये बिल्कुल हम जिनकी तरफ तवज्जो नहीं करते, लेकिन इतनी ख़तरनाक है। आज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ सारी मखलूक की मगफिरत की बात फरमाई है, वहीं पर ये भी इरशाद फरमाया इल्ला लिमुशाहिनिन, मुशरिक की मगफिरत नहीं होती तो वहीं पर कीना कपट पालने वाला, कीना व परवर, अपने दिल में कीना कपट रखने वाला, ईमान वालों से कीना रखने वाला जो होता है, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत भी नहीं फरमाता आज की रात। मुशाहिन कीना रखने वाले, मुशाहिन अकीदे अहले सुन्नत से हट जाने वाला, जो मुहद्दिसीन शारहीन हदीस और मुहद्दिसीन ने इसको मुशाहिन के माना में ये भी बयान फरमाया, अकीदे अहले सुन्नत से जो हट जाने वाला होता है वो भी मुशाहिन है, उसमें मुशाहिन की फहरिस्त में आ जाता है। वो साथ साथ शहनुन कीने कपट को भी बोलते हैं, मानवी एतबार से दोनों उसके अंदर आ जाते हैं। वो जो अकीदे अहले सुन्नत व जमात से हट जाए उसकी भी मगफिरत नहीं होती, वो जो अपने दिल में कीना कपट बुग़्ज़ दुश्मनी और हसद और जलन पाल रखे। अब कीना कपट बोले तो इस साथ में हसद जो होता है उसके साथ में ये जुड़ा हुआ होता है, हसद जलसी बोलते हैं, जलन बोलते हैं, अच्छा देखा नहीं जाता। अब कीना रहने के बाद क्या किसी का अच्छा देखा जाता, उसके ताल्लुक से दिल में कीना पैदा हो गया, अगर उसका कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा देखा जाता क्या, नहीं देखा जाता। ये जो होती है ना ये चीज़ें ऐसी है। अब हम नेकियां करते, नमाजें पढ़ रही, ज़कात सदक़ात हज उम्रे और क्या क्या नेकियां करते हैं, लेकिन दिलों में जो कीना कपट और हसद जो पैदा हो जाता ना, इतनी ख़तरनाक चीज़, कितनी ख़तरनाक। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद जो है ना, कीना कपट और हसद जलन जो होती है ना, जलसी, किसी का अच्छा देखा नहीं जाना, अरे कहीं उसको तो पुनः बर्बाद हो जाना, उसका तो नुकसान हो जाना, अरे इसका उन्हें तो कारोबार में उसका ठप हो जा, उसका कारोबार तो ठप हो जाना, चलना मेरा चलना, ठीक है आप अपने चलने की भी दुआ करें, उसका जैसा चल रहा ना अल्लाह मेरा भी चला दे, यूं दुआ करो यूं चाहो आप, नहीं उसका नहीं मेरा, उसका नहीं मेरा, उन्हें उन्हें पैदल हो जाना और मैं तरक्की करते जाना,
یہ جو ہے یہ چیز اتنی خطرناک. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسد ہے نا یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے. نیکیاں کر رہے ہیں, نمازاں پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تہجد سب چل رہی, مگر حسد ہے تو حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. آگ جلنے کے بعد لکڑی باقی رہتی جی, لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیجیے, ڈھیر میں آگ رہا, چھوڑ تو لکڑی کو, آگ آگ لکڑی کو چھوڑتی جی, کھا جاتی. دیمک, دو باتیں بیان, دو طرح کی باتیں لوگوں کو سمجھانے کے واسطے. حضور مثالیں ایسی پیاری پیاری دے کے سمجھاتے کہ لوگوں کے ذہن میں, مٹھا ذہن کا بھی رہا تو اس کے ذہن میں اتر جانا, موٹے ذہن کا بھی ہے تو بھی اس کے ذہن میں بات اتر جانا, اتنے پیارے انداز سے حضور مثال دے کے سرما سمجھاتے. تو حسد جو اگر کسی کے اندر پال کے رکھا حسد, تو حسد اس کے نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور ایک مثال, جس طرح سے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. دیمک کیسا کھاتی, ایسے کھاتی کھاتی پوری لکڑی پھوکھل ہو جاتی, ایسا مارو اوپر سے تو لکڑی دکھ رہی, اندر پورا پھوکھل ہو گیا, یوں مارو تو پھک بول کے سوراخ ہو جاتا. کیوں بولتا, ارے دیمک لگ گئی یار, بولتے دیمک کھا گئی. اب نیکیاں اوپر اوپر تو آپ کو نیکیاں دکھ رہی ہے, تو کر رہو نیکیاں نیکیاں, لیکن حسد جو پیدا ہو گیا, یہ حسد تو برباد کر دیا ہے آپ کے. آج کی رات مشاحن کی مغفرت نہیں ہوتی کینہ کپٹ رکھنے والے کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, رشتہ داریوں قطع تعلق کرنے والے, رشتہ داریاں ناطے تعلقات توڑ لینے والے ہوتی ہیں, اونچ نیچ انسان ہے, اختلافات ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں, بس وقتی طور پر کچھ ہو گیا. ہوتا تھا صحابہ اکرام میں بھی, ان کو ان کو کچھ بول دیے جی, صحابہ اکرام میں بھی ایسی کچھ ہو جاتی تھی, لیکن ایسا پال لے کے نہیں بیٹھتے تھے. پھر ان کا معاملہ وقتی طور پر, یہ معاملہ ہوتے ہی مستقل ہمیشہ کا رشتہ رحماء بینہم تھا ان کا, آپس میں ایک دوسرے کے در لیے رحم دل واقع ہوئے ہیں. پھر ویسی ہو جاتے تھے جیسے پانی کے جیسا معاملہ. پانی میں کیا ہوتا ہے, پانی کے جیسے اپنے آپ کو بنا لینا بولتے. پانی میں آپ چھڑی لیجئے, لکڑی لیجئے, پانی ایسا حوض ہے, دریا ہے, پانی چھڑی ماری ایسا بیچ میں, چھڑی مارتے پانی دو طرف یوں ہو جاتا, ہو گیا نا دو, ایک پانی تھا آپ بیچ میں تھا, چھڑی مارتے دو ہو گئے. آپ چھڑی نکالیے یا چھڑی مارنے کے بعد بس کچھ سیکنڈ کے بعد پھر واپس پانی پھر یوں آ کے پھر ایک ہو جاتا. جو دو ہو گیا تھا آپ نے مار کے دو کر دیا تھا, پھر واپس یوں ایسے مل جاتا ہے گویا وہ دو ہوئے ہی نہیں ہے, جیسے کا ویسا ہوگا, پانی کے جیسے بنا لینا. یہ تھا معاملہ, ہوتی تھی ایسی چیزیں کچھ اونچ نیچ. یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری تعلیمات دی ہیں. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ ان کو کوئی صحابی کچھ بات حضرت ابوبکر صدیق کو بول دی. بڑے حلیم الطبع تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کچھ باتیں کچھ ہوتی ہیں کچھ بات بول دی. حضرت صدیق اکبر سنے بول رہی ہیں بول رہی ہیں بول رہی ہیں سن رہے ہیں سنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ملاحظہ فرمائے سنے. اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر ان کو جواب دیے, اتنا بول رہے ہیں نا بھائی, اور انہوں چار بولے تو کیا ایک بھی نہیں بولنا, ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں, لوگوں کا کیسا ملے, وہ تیش بتاتے کیا تیش بتا کے کیا کر لینے کا ہے. وہاں دیکھیے حضور خاموش بیٹھے ہوئے, صدیق اکبر کو بولے جا رہے ہیں. یہ ہماری تعلیمات کے لیے سب کچھ. صدیق اکبر سنے, اس کے بعد انہوں بھی بولے, انہوں بھی پلٹا کے کچھ بولتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار, حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کیوں تم نے بولا, یا رسول اللہ انہوں اس طرح سے بول رہے تھے, انہوں ایسا بول رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر وہ تم کو بول رہے تھے, وہ تم کو بولے جا رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرشتے کو مقرر کر دیا تھا, جو فرشتہ ان کا جواب دے رہا تھا,
जैसे ही तुम जुबान खोले वो फरिश्ता चला गया। क्या मामला, जैसे ही तुम जुबान खोले वो फरिश्ता चला गया है। तो फरिश्ते का जवाब देना अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया वो अच्छा रहता है या अपना जवाब देना अच्छा रहता? नहीं, मैं जवाब दिया तो अच्छा, तो दो तुम्हें जवाब। ये मामला है, हमारे तबीयतें ऐसी बनी हुई है जी, माइंड सब कुछ ये नहीं होती चीज है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला फरिश्ते को ये हम यकीन करना है इन बातों पर, वहां पर नफ्स को कंट्रोल करना पड़ता, अब जब्त करना पड़ता, नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ता, ये मुश्किल जरूर है लेकिन वहां पर अल्लाह ताला की तरफ से ताईद ऐसी हासिल होती, ताईद ऐसी हासिल होती कि अल्लाह फरिश्ते को, हम जैसे निकम्मों के लिए फरिश्तों को भेज के मुकर्रर कर देता है कि फरिश्ता फिर उसका जवाब देता रहता है, जवाब देता रहता है, अल्लाह की तरफ से ऐसा इंतजाम होता है। बहरकैफ मामिलात, लेकिन फिर हो जाना पानी के जैसे हो जाना, दिल में कीना कपट हसद जलन पाल के नहीं रखना, रिश्तेदारियों के ताल्लुकात तोड़ लेना नहीं, रफा दफा। वक्ती तौर पर शैतान हावी होता है, शैतान उकसाता है, हावी होता है, गजब दिलाता है, गुस्से में लाता है, लड़ाता है, भिड़ाता है, वो जश्न मनाता है उन्हें, लेकिन हमारा काम वो नहीं है कि उसके इशारों पे पूरे नाचे, उन्हें इशारा जैसा करे नाचो, उठो बोले तो उठो, बैठो बोले तो, ये गाली दे बोले तो गाली दे, ये मार बोले तो मार, शैतान के इशारों पे नाचने लगे, इससे हासिल क्या है? हमारी आखिरत का नुकसान, दीन का नुकसान है कितना बड़ा। ये सब चीज़ें होए माम, जहाँ तक मुमकिन हो सके रफा दफा कर कर पानी के जैसे हो जाना कि फिर मारो पानी पर, पानी चिर गया ऐसे कि दो हिस्सों में बढ़ गया, फिर कुछ ही लम्हे के बाद, कुछ ही देर के बाद फिर पानी वापस आकर मिल गया है। हजरत गिरामी, आज की रात अल्लाह ताला कीना परवर जी की मगफिरत नहीं फरमाता है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया काहिन नुजूमी जादूगर आज की रात उनकी मगफिरत भी नहीं होती। लोग अपने दुनियावी छोटे छोटे मफादात के लिए, अपने से जो इंसान अगर पॉजिटिव थिंकिंग जो होता है ना, पॉजिटिव थिंकर जो होता है ना वो अचीवर होता है, यानी मुस्बित सोच रखने वाला ही कुछ पाने वाला होता है, या अपना कुछ पाने की कोशिश, अपने लिए कुछ हासिल करने की कोशिश से ज्यादा दूसरे को जख्म पहुंचाना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, इंसान वो मिशन पे लग जाता है। अरे उल्ला इतने खुश कई को है, उनकी तरक्की इतनी कई को हो रही जी, आपस में कितना मिलजुल के उन लगा, उन लोगों में फूट पड़ना, अरे ये लग, ये लगा, ये ऐसी सास बहू इतने आपस में अम्मा बेटी के जैसा रह रही, देखा नहीं जाता लोगों को जी, ये ऐसा वो कई को, अरे भाई ऐसा शीर शकर के जैसे आज के ज़माने में कहा यार, ये देखा नहीं जाता, वो देखा नहीं जाता। अरे खुद को अच्छी कोई चीज़ है अपने अंदर, वो अच्छाई लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या तदबीर इख्तियार करना चाहिए जी, वो अच्छाई अपने अंदर भी पैदा करने, उसके लिए क्या करना है हमको, ये सोचने के बजाय वो अच्छाई जो दूसरों के अंदर है उसको बिगाड़ने, उसको डैमेज करने की फिक्र लग जा रहा, उसको कैसा करना, ये तो लगाई बुझाई करके वो अंगार लगाने का मामला जी, चुगलखोर लायद कुलुल जन्नता है ना, हदीस याद की, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ये चुगलखोरी ये यूं करेंगे बर्बाद, नहीं तो फिर कोई तो भी छोड़ता, शैतान इंसानी रूप में आके छोड़ता, अरे अगर ये करना तो वहाँ चले जाओ ज़बरदस्त फलां जादूगर के पास, अरे फलां मेतर है, वो नहीं बोलता, अरे बहुत बड़े ज़बरदस्त थे भाई, मेतर बोल के नहीं बोलेंगे अलग, वो बोलेंगे बहुत ज़बरदस्त है भाई, जाते जो काम बोले वो काम हो जाता, अरे वाह जो काम बोले वो का, ऐसे अंदाज से बोलता उन्हें, अब भी वैसी चले आना, वही नंगे पैरों तो वैसी चप्पल नहीं पहन के चले आना, वैसा बोलता, जाओ तुम जो काम बोले वो काम हो जाता, नहीं का हाइच नहीं वहां पे, खुदा बन के बैठा, अस्तग़फिरुल्लाह कैसा लफ्ज है, नहीं का हाइच नहीं वहां पर,
अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये शैतानों के पास, दी जादू टोने कराने वालों के पास में जाकर, जादू टोने कराने वालों के पास जाकर, ये जादू टोने कराने का आज की रात भी मग़फ़िरत नहीं होती अल्लाह की। हुज़ूर ने तो बाद अहादीस में फरमाया दे कि वो मुशरिक है जी, जे काहिनों के पास, नजूमियों के पास जाने वाले जी, जादू करने कराने वाले, शिर्क कहा गया है उसको। इतना इतना काबिले मज़म्मत, इतना बुरा काम है ये, अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। कितने लोग गए ऐसे, तो क्या है खुद अपने लिए तदबीरें, भाई नहीं भाई तो सारी तदबीरें करके देख लिया, सारी कोशिशें करके देख लिया, सारी तदबीरें करके देख लिया, नहीं हो रहा, बोलते परेशानियाँ, इनको सुना, उनको सुना, इनको सुना, वही काम सुबह से शाम तक, खाली परेशानियाँ सुना लेते फिरता। अब वो परेशानियाँ सुना लेता फिरता तो जित 40 आदमियों को सुना तो 40 आदमियों के 40 मशवरे मिलते हैं उसको, अरे तुम ऐसा करो, वैसा करो, तुम वैसा नहीं, वैसा भी वैसा, तो फिर ऐसा करो ना, तुम वैसा करो, वो 40 मशवरे देते, उसमें से 40 में से तकरीबन 30-35 तो शैतानी मशवरे रहते सब। क्या होता है, अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान कोई भी मामला, भाई मुसीबत है, तकलीफ है, आफत है, भाई अल्लाह वालों के पास कुछ है मामला रुजू करने का अलग, लेकिन इंसान दुखड़े सुनाने का जो मिजाज बन जाता है जी, अपने दुखड़े सुनाने के किसको भी, अरे गैरे नत्थो खैरे अरे गरों को दुखड़े सुनाने का जो, तो अगर इंसान अपनी ज़रूरत, अपनी बात, अपनी ज़रूरत, अपनी ज़रूरत और अपनी जो हाजत ज़रूरत जो कुछ रहती, वो अगर इंसान किसी इंसान के सामने रख देता है, रख देता है, उस किसी को बयान कर देता है सामने, तो अल्लाह तबारक व तआला वो मामला उसी के सुपुर्द फरमा देता, ले तू ही देख ले, तू ही डील कर ले, तू ही हैंडल कर ले। ये हम लोग कर क्या क्या करते हैं, इसमें क्या हासिल है, इससे करना क्या चाहिए था, सब चीज़ें वाज़े खोल कर बयान कर दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारा रिश्ता हमारे रब से, रब्बुल आलमीन से ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तालीम तरबियत, ये जोड़ का जोड़ने रब से जो जोड़ा है, अगर तुमको कोई हाजत हो अल्लाह ताला से दुआ मांगो। ये भाई ये कोई मामूली से मामूली चीज़ भी अगर मांगना हो, यहाँ तक हुजूर ने बयान फरमा दिया जूते का तस्मा भी अगर तुमको मांगना हो तो अल्लाह से मांगो, अपने रब से मांगो। अल्लाहु अकबर, दुआ है मोमिन का हथियार है। फिर किससे दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उसकी कुदरत के आगे कोई जी पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी मर्जी के बगैर। वो पाक परवरदिगार, वो इंसान की रगे जान से भी ज्यादा करीब, हम तुम्हारी अपनी जानों से भी ज्यादा करीब है, इंसान की रगे जान से भी ज्यादा करीब है। मिन हबलिल वरीद नहनु अक़रबु इलैहि मिन हबलिल वरीद, इंसान की उसकी अपनी रगे जान से भी ज्यादा करीब है हम। वो पाक परवरदिगार उसको छोड़कर आप फिर रहे इधर से उधर, उधर से इधर, तो जिंदगी भर फिरते रहो, फिर जिंदगी भर फिरते रहो, फिर इलाज मुआलजे का मामला है, तदबीर इख्तियार करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर ने हुक्म भी फरमाया अपने मरीजों को दवा के ज़रिए से दवा करो, दवा करो अपने मरीजों को, दवा दो, इलाज मुआलजा कराओ, ये भी फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया कि अपने अपने मरीजों का इलाज तुम सदक़े के ज़रिए से करो, सदका निकाल कर इलाज करो, यानी ये सदका निकालो गोया तुम्हारे मरीजों के जी शिफा इसमें रखी गई है कि तुम अपने मरीजों की दवा करो, उनको उनका इलाज करो, उनकी सेहत का सामान होगा सदक़े के ज़रिए से उनका इलाज कर। ये चीज़ें यहाँ नहीं जाती तवज्जो, उसके लिए सदक़े के लिए निकलता ही नहीं कुछ, भाई सदका कर दो उसके बजाय, ये सब कुछ है नहीं, लिया के वो ईमान भी बर्बाद, व
वो जादूगरों का ने, वो आमिलों का ने जी, वो इफलासी बेअमल गुनागार फासिक फाजिर शराबी कबाबी फासिक फाजिर बदअमल, इनके पास जाकर हजारों रुपए डाल देता है। उस सदका देने के वास्ते नहीं होती तौफीक, वो यकीन अपने अंदर पैदा करना है, वो यकीन अपने अंदर वो पैदा करना है। यकीन के साथ सब चीज़ें हासिल होती हैं। कैसे कैसे वाकयात नहीं आते, एक ऐसे वाक़ एक नहीं कई है ऐसे कि बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो अब इलाज मालजे के लिए जो तरीका है डॉक्टर से रुजू करने का, डॉक्टर से रुजू करिए, डॉक्टर ने बता दिया ये बीमारी ऐसी है ऐसी है ऐसी है, तो है बीमारी यकीनी तौर पर। अब उसके इलाज के लिए इतना ख़र्चा, या ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ऑपरेशन का इतना ख़र्चा, यकीन बता रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है तो उस पर यकीन है, अल्लाह का फरमान है तो उस पर यकीन। कैसा यकीन लोगों का, लिखा है वाकयात में ऐसे हकीकत में जो वाकयात हुए सब, कितना ख़र्चा डॉक्टर बता दिया कि इनका ये सब ये मायने हैं ये है और ये ऑपरेशन का ये ख़र्चा, ये पूरा मुकम्मल ख़र्चा बता देते ना, मुकम्मल पैकेज, मुकम्मल कंप्लीट पैकेज बता दिए कि ये इतना पैकेज इतना ख़र्चा है। अच्छी बात है, उनके आ गए, अच्छी बात है, सुन लिए आ गए, अच्छा माहिर डॉक्टर है, लोगों का तजुर्बा भी है कि डॉक्टर इलाज सक्सेसफुल होता। आ गए वापस, कितना बताया, इतना ख़र्चा, उतना पूरा जो ख़र्चा वो उसने बताया है ना, इसका इलाज मुकम्मल इतने ख़र्चे में होता, ये पैकेज बता दिया, वो पूरा उतना मुकम्मल पैसा राह खुदा में सदका कर दिया, अल्लाह की राह में सदका कर दिया, अल्लाह की राह में सद, वो यकीन कि मेरे आका ने फरमाया कि अपने मरीजों का इलाज करो तुम सदक़े के ज़रिए से, इलाज करो सदक़े के ज़रिए से उनका इलाज करो, तो वो यकीन कि वो सदका मुकम्मल इतना उसमें नहीं भाई उन्होंने इतना बोले ना अपन इतना खर्चा सदका निकाल देंगे, दुनियावी एतबार से जो महारत के साथ बताने वाला बता दिया भाई ये मरस का इलाज बोले तो इतने में होता, उतने में होता तो इलाज चीर फाड़ वो ऑपरेशन वो सब कराने के बजाय वो यकीन था हुजूर के फरमान पर तो वो पूरे का पूसा पूरा राह खुदा में सदका कर दिया। मेरे आका का फरमान, उधर सदका करना था इधर शिफा हो गया। डॉक्टर हैरान, ये क्या मामला है, फिर बताया मुआयना कराए, फिर जाकर मुआयना कराए तो कुछ भी नहीं है भाई, ये सब सारे सब कुछ ठीक साफ होने वो तो ज़रूरत ही, क्या क्या हुआ कराए क्या है, नहीं पहले की रिपोर्ट गलत तो हो ही नहीं सकती, नहीं अब तो बिल्कुल साफ है मामला, नहीं तो बता दिया डॉक्टर को, डॉक्टर साहब बात ऐसी है आपने ये बता दिया ये ख़र्चा है, तो मेरे आका का फरमान मुझको याद आया जी, वो यकीन उस पर ऐसा था वो बंदे का कि वो सदका करने सदक़े से इलाज करो अपने भी बीमारों का, तो मैं आपने जितना बताया ना वो सारा पैसा मैंने सदका कर दिया है, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दिया। ये यकीन होता है, वो मामलात हमारे अपने अल्लाह की तरफ रुजू करने का मामला, हमारे मामलात ये तकलीफ़ें आती दुआ ये कर लिया वो कर लिया तो दुआ की तरफ बस यूँ चुप कर लिया, होता कि नहीं कि बोल के दुआ कर रहा तो क्या मट्ठी होगा उस, अब होता कि नहीं कि बोल तो होता कि नहीं कि मैं ही रह जाता हूँ उन्हें भाई, अल्लाह किससे मांग रहे हैं आप भाई, कैसा यकीन के साथ जाते, कोई अच्छा आपका ऐसा दोस्त मुखलिस दोस्त बिल्कुल ही तौर पर इखलास वाला और बच्चा मुरफ़हुल हाल जी खुशहाल वेल सेटल और बिल्कुल आप रात बोले तो रात दिन बोले तो दिन बोलने वाला, कोई ज़रूरत पड़ गई तो ऐसे आधी रात को यकीन के साथ जाते आप, नहीं मेरा काम होता कि नहीं होता कि बोल के नहीं रहता वहाँ पर, वो यकीन जी वो ताल्लुकात की बिना पर ऐसे अल्लाह से मांग रहे तो वैसा यकीन भी नहीं रह रहा, तब क्या होगा काम बोलिए आप, मांगने का मामला वो यकीन अपने अंदर पैदा करना अल्लाह तबारक व तआला से मांगने के लिए। पाक परवरदिगार ये नहीं मांगते ही हो जाना, ये दो वक्त मांगते हो जाना, तीन वक्त मांगते हो जाना जी, एक हफ्ता मांगते हो जाना, आयत करीमा का दस्तर बिछाते ऐसा दस्तर ख़त्म होते दूसरे दिन मेरा काम हो जाना, ऐसा हुआ तो नहीं है तरीक़ा।
انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, کس کے لیے؟ تمہارے لیے نصیحت ہے اس کے اندر, تم کو عقل آنا, تم کو سمجھ آنا, اس سے سیکھنا. تم حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر, ابو الانبیاء, نبیوں کے باپ ہیں, انہوں نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم. وہ دعا ایک ہفتہ سال نہیں, کئی سال تک دعا دعا کرتے 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 بوڑھے ہو گئے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے. اللہ سے دعا کرتے کرتے نا امید نہیں ہوئے, نا امید نہیں ہوئے, دعا کا سلسلہ رہا. اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمایا, اولاد کی دعا کر رہے تھے جی. حضرت زکریہ علیہ السلام, انہوں ان کی اہلیہ, دعا, نبی پیغمبر ہے, دعا کرتے 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 جوانی پوری چلے گئی, بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے سے بھی آگے پہنچ گئے وہ عمر میں, عجوز یعنی کھسٹ بوڑھے کو بولتے, اہلیہ بھی وہ اس عمر کو پہنچ گئی. اللہ الصمد, دعا کرتے ہوئے لیکن اللہ کی ذات سے مایوس اور نا امید نہیں ہوئے. یہ ہے دعا, تسلسل کے ساتھ میں دعا رب تبارک و تعالیٰ کے. اس ایک در کو اگر چھوڑیں گے تو پھر در بدر کے ہو جاتے ہوتے, اس ایک در کو چھوڑیں گے تو در بدر کے ہو جاتے, پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا. پھر اس ایک در کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو لوگ یہ جادوگروں کے پاس, کاہنوں اور نجومیوں کے پاس, یہ اٹا سٹا, یہ علم غلم بتا دینے والا, نے اب کیا ہونے والا ہے, میں ایسا کروں گا تو کیا ہوں گا, وہ کیا, یہ سب لوگوں سے جا کے یہ پوچھنے, جی فالاں کھولنے والے, کیا کیا کرنے والے لوگ, اس قسم کے معاملات اپنے رکھتے ہیں. یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر ایک اخلاص والا دین اپنے اندر پیدا کرنا, جی خالص پیور اسلام, ایمان, اپنے اعمال کو ایسے نکھارنا کہ ایک اچھے مسلمان آپ رہے. تو ایسے لوگوں کی مغفرت بھی آج کے رات, آج کی رات شب برات کے موقع پر, جبکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دے رہا ہے لیکن ایسوں کی مغفرت نہیں فرماتا. یہ لوگ یہ ساری چیزوں سے توبہ کرتے, والدین کا نافرمان بھی ہے, مدمن الخمر شراب کا عادی, نشہ کرنے والا, شراب پینے والا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتا. شراب کا عادی, شراب پینے والے کے لیے والدین کے نافرمان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی, والدین کے نافرمان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. بڑا جرم ہے, یہ بڑے بڑے جرائم والے ہیں, یہ بڑے جرم والے لوگ ہیں. مغفرت نہیں ہوتی آج کی رات. والدین کی اطاعت فرما برداری, والدین کو راضی رکھنا, والدین کی رضا خوشنودی, اللہ کی رضا خوشنودی, والدین کی رضا خوشنودی میں رکھی گئی ہے. ان کو راضی کر لے جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہما جنتک و نارک, ماں باپ کون ہے, یہ تیری جنت بھی ہے, یہ تیری جہنم بھی ہے. ان کو خوش کرے گا تو جنت ملے گی, ان کو ناراض کرے گا تو جہنم میں جائے. تیرے جنت میں جانے کا سبب بھی وہی ہے, تیرے جہنم میں جھونک دیے جانے کا سبب بھی وہی, تیرے ماں باپ. ماں باپ, والدین نافرمان, حق لوالدی, ماں باپ کا جو نافرمان ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی آج کی رات. بڑا سخت ترین جرم ہے, بڑا سخت ترین جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک, ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ, ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھنے کا حکم اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فرما دیا. عبادت کا حکم ساتھ ہی یہ فرما دیا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ساتھ میں ہی ہے. اللہ نے فیصلہ سنا دیا, فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اسی ایک کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. والدین کی نافرمان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. والدین ناراض ہوں تو ان کو راضی کر لینا, ان کو راضی کر لینا. دلوں میں میل کچیل, اس واسطے اہل اللہ کے درمیان میں معاملات, جو رشتہ داریاں ہوتی, رشتہ دار تعلقات ہوتے, ان سے معافیہ مانگنے کا ایک رواج. یہ آج کل تو خالی سوشل میڈیا, بیٹھے بیٹھے ایک جی وائرل میسج آ گیا,
जी होलसेल मार्केट में रेडीमेड मार्केट में सर्कुलर हो रहा सर्कुलेट होता सो मैसेज आ गया, अरे अच्छा है भेज दिया उनको, क्या बोले तो माफ़ी ना माए माफ़ी चाह रहे हैं उन्होंने देखे नहीं देखे सबने अपनी तरफ से अपन भेज दिए जी, किसी के हक तलफियाँ हुई है, किसी को नाराज़ कर बैठा है, किसी की गीबतें कर लिया, किसी की चुगलियाँ कर, किसी को गाली गलौज कर दिया, किसी पे जुल्म ढा दिया, किसी का कुछ किसी का कुछ जी, सुबह से शाम तक यही कुछ होते रहता है हमसे। अब उनसे माफ़ी चाह लेना है भाई, अल्लाह की बारगाह में ऐसा पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला रहम अल्लाह को रहम आ जाएगा हम पर, माफियाँ चाह लिया बंदों से, अल्लाह को माफ़ी भी चाहना बंदों का माफ़ी चाहना पसंद है, माफ़ करना भी पसंद है उसको, आप माफ़ी चाहते हैं तो माफ़ी चाहने वाला भी पसंद रहता है अल्लाह ताला को, ये चीज़ है, ये कर लेते हैं बस, एक एक फैशन बना हुआ है, ये चीज़ नहीं होती। बाज़ाब्ता तौर पर मिलकर अपने दिलों को साफ़ करने का मामला, दिलों को साफ़ करने का मामला जी, एक दूसरे को माफ़ कर देने के जज्बे के साथ एक दूसरे को माफ़ी की दरख्वास्त कि अपनी तरफ से मेरी तरफ से कुछ गलती हो गई है तो आप मुझको माफ़ कर दिए, अगर आपकी तरफ से कुछ है तो मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, ये चीज़ें हों, ये दिल अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद होते, ऐसी जगह अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें भी अल्लाह की मुतवज्जे होती, अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल नाजिल होता, रहमतें नाजिल होती ऐसे मकाम पर। लेकिन ऐसा हो, ऐसा हो माहौल, ये चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमा दिया, माँ बाप के जो नाफरमान हैं उनकी मगफिरत अल्लाह ताला उनकी मगफिरत नहीं फरमाता है, इंतकाल वालिदैन है दुनिया में माफिर, और दुनिया में तजर्बात के साथ ये बात बताई गई, दुनिया जहाँ में सबसे नाराज तो बहुत कुछ बहुत कोई हो जाते हैं, लेकिन सबसे आसानी से राज़ी होने वाले, सबसे इजी सहूलत और आसानी से राज़ी होने वाले कोई हैं तो वह तुम्हारे माँ बाप, बहुत आसानी आप जाए रो के, अब कोई यार दोस्त से माफ़ी चाहने तो उन्हें अगर ठान लिया हो गई चखपक हो गई तो फिर कैसे, ऐसी चखपक होती कितने अखबारात की जीनत बन जाते, दोस्त के हाथों मर्डर हो गया, दोस्त है वाह क्या दोस्त है, यही दोस्ती है, कितने दोस्तियां रंग बदलते सोए भाई, पी के खा के भी होते गुस्से में भी होते, पी के खा के तो उन्हें इंसान ही बाकी नहीं रहा, फिर नशे में उसके अलावा भी कोई बात पे ना कोई ना इत्तेफाकी डाल दिया शैतान, फिर डाल दिया तो फिर उस पर जो चली गलत फहमी हो गई, ये हो गई, फिर हो गई दुश्मनी, कतल मर्डर, ये अब लाख आप सर पटक लो माफ़ी चाहो फलां करो, माफ़ थोड़ी करता हूँ, नहीं बहुत मुश्किल है किसी को भी राज़ी करना, लेकिन एक माँ बाप है माँ बाप, इनको राज़ी करना जितना आसान है किसी और को राज़ी करना उतना आसान नहीं। अब जाके अम्मी बोल के आप पढ़ जाओ, अरे क्या हुआ थोड़ा यूँ कर, कितना भी कितनी बड़ी गलती कर लो आप, क्या हुआ मेरे चांद बोल के लगा लेती गले से, माँ का दिल बाप की शफक्त होती है, माफ़ कर देते हैं बड़ी आसानी से, उनको राज़ी कर ले, इंतकबत किस्मती से नाफरमानी करते रहे, तजलील करते रहे, बाप को झिड़कते रहे, माँ को झिड़कियाँ देते रहे, नाफरमानी नाफरमानी की इंतहा है ये, तो कुरान करीम ने तो ये हुकूक बताए हैं, एक छोटा सा हर्फ उफ, दो हर्फ है उफ उफ उफ, ये हर्फ दो हर्फ से मिलावा छोटा सा जुमला, ऐसा छोटा छोटा सा जुमला भी उनसे न कहो जिसकी वजह से उनकी नाराज़गी हो जाती है, उनको नापसंद हो, उनके दिल पर गिरा गुजरता हो, वला तकुल लहुमा उफ, उन दोनों को उफ तक मत कहो, झिड़कना तो दूर की बात है और उनको झिड़को भी मत, वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल, अपने जिल्लत के बाजुओं को बिछा दो उनके कदमों के नीचे, बिछ जाना उनके कदमों में बिछ जाना, अल्लाहु अकबर, उनके कदमों में बिछ जाना, ये माँ बाप का मकाम मर्तबा,
बदकिस्मती से राजी नहीं कर सका, ये रह गया वो गुजर गए दुनिया से, या वो रह गए इन्हें गुजर गया, बड़ी आफत है। आज तो हम और आप इस जमाने के, इस दौर के हम, खुद हुजूर के जमाने में सहाबी है, हुजूर के जमाने का मोमिन मुसलमान सहाबी हुआ ना, सहाबी है। लोगों को बड़ी फिक्र थी खातिमे का वक्त होता तो बड़ी ईमान के साथ रुखसत होना, आज तो पलिच नहीं है किसको भी। हाय हाय घर वालों का भी शोर पुकारा इतना रहता है, मरने वाला पहले अपनी बौरानी में रहता, वो हौल घबराहट, वो मलकुल मौत का वो मंजर, ये सब कैफियतें जो रहती ना, हाँ अवसान खता हो जाते, पेशाब पाखाना निकल जाता, गंदगी निकल जाती पूरी वो हैबत के आलम में, उन्हें अपनी बौरानी परेशानी में ये लोगों को अपनी पड़ी, ये वो गिड़गिड़ाना हो हॉल और परेशान कर देते बेचारे को। ऐसा थोड़ी है, आपके चीखने चिल्लाने से क्या आप मलकुल मौत चले जाते, अरे बहुत रो रहे बेचारे जान दो, है नहीं, आपके चीखने चिल्लाने सर पीट लेने हाय हाय कर लेने से क्या आए जैसे फरिश्ते चले जाते या टाइम देते, नहीं वही टाइम जान लेना। वहाँ पर आप अपनी खैरखाई का जज्बा, ये नहीं कि आप रोए पीटे सर पीट ले हत्ते मार ले ज़मीन पर एक दूसरे को लपट कर हाय हाय कर ले, नहीं ये वावेला वाले नहीं है, ये वावेला का टाइम भी नहीं रहता। यहाँ पर कलीमा पढ़ना है, ईमान शहादत कलीमे शहादत पढ़ो बोल के बोलना भी नहीं है। बौरानी के आलम में इंसान जब मुश्किल में जब पड़ावा रहता ना, सुधरता नहीं उसको, हट नहीं बोलते बोल देता उन्हें, हट नहीं नहीं पढ़ता बोल दिया तू, अच्छी चीज़ ही बोल रहे हैं आप जबकि पढ़ो 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 नहीं बोलना, ये हुक्म है शरीयत के अहकाम में। क्योंकि अगर माज़ल्ला अगर नहीं पढ़ता बोल दिया और धन बोल के उसकी रूह निकल गई, काफिर मर जाएगा और उसका गुनाह आपको होगा। अरे पढ़ो जी कलमा बाद ऐसे रहते, और बोलते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, थोड़ा बहुत मालूम आता गए ना, अरे कलमा पढ़ के गए तो सीधा जन्नत में चले जाते ना, अरे कलमा पढ़ो जी कलमा पढ़ो, अरे उसकी मुसीबत करना क्या, अतराफ में जो लोग हैं वो पढ़ना कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा, ये माहौल अतराफ में ऐसा होना, ये सुन सुन के वो जहन में दिल में वो ईमान की कैफियत भी आ जाती, जुबान चल गई तो जुबान से कलमा निकल जाता। जी अवान सब लेके वसीयत लिख दो जी, वसीयत लिख दो जी, मेरे को कितनी दुकाना मिल रही, मेरे को कितना घर मिल रहा, कितने लाख रुपए मेरे हिस्से में आ रही, अरे बोल दो सब जने हैं तेरे को सामने, सबको ये पड़ी हुई है वहां पे खतरे में, उन्हें पड़ा हुआ है बेचारा, उसकी जानकनी का वक्त है, अब हमेशा की जिंदगी अबदुल आबाद की जिंदगी की जी नजात फलाह बहबूद और आइंदा जिंदगी की बर्बादी और अजाब और अल्लाह की पकड़ दो में से कोई एक चीज उसके हिस्से में, वैसा मौका उसका है। वैसे मौके पे ये लोगों के मामला जी, ये हर एक को ये अपनी पड़ी रहती है, उसको अपनी लगी है बेचारे को, ये माहौल होता है। तो अतराफ ये पढ़ने का, सकरात का जो आलम होता है ये कैफियत, इसमें आप कलीमे तैयबा का माहौल बनाकर इखलास, आपकी खैरखाही इसके अंदर होती है। माँ बाप तो सहाबा इकराम में है, सहाबा दौरे सहाबा है, तो सीए सहाबा का ये तड़प जज्बा होता था, किसी का अगर इस वक्त इंतकाल का वक्त करीब आ गया ऐसी कैफियत है बोले तो चले आते थे, जाकर तलकीन करते थे, यही मामला जी कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे, अब उनके हलक से निकल रही नहीं, अरे मैं और आप तो क्या, वो तो सहाबी हलक से निकल रहा ही नहीं, महसूस हो रहा पर बाज होते पढ़ना कुछ बोलना चाह रहे बोलने सक रहे बोलते देखिए जी कलमा नहीं निकल रहा। सहाबा और भी दूसरों के गुजरे ऐसे अवकात, लेकिन इनके साथ अलग ही दिख रहा मामला। सहाबा बड़े हैरान हुए परेशान हुए, हुजूर की खिदमत में भागे, दौड़ लेते गए या रसूलल्लाह, अलकमा हज़रत अलकमा थे,
یا رسول اللہ علقمہ کا انتقال کا وقت آ گیا, وقت انتقال ہے لیکن کلمہ نہیں نکل رہا ان کی زبان سے, کلمہ نہیں نکل رہا ان کی زبان سے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ایمان والوں پہ رؤوف الرحیم ہے, حضور کی شفقت اور رحمت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے, نے ٹھیک ہے تو اور ذرا زور سے پڑھو, ذرا زور سے تم لوگ پڑھو, ارے ان کو لے کے جاؤ. حضور خود تشریف لے گئے, حضور خود تشریف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہیں پڑھ پائے, کلمہ نہیں نکل رہا کلمہ. حضور نے پوچھا ان کے ماں باپ ہیں کوئی؟ بتایا لوگوں نے کہ رسول اللہ باپ تو نہیں ہے, ماں ہے, ماں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ہے تو پوچھا, حالات پوچھے کیسا معاملہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے اس کی ماں ناراض ہے اس سے, اس کی ماں ناراض ہے اس سے. یا رسول, اس نے کہا ماں سے پوچھا, اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ بڑا نیک تھا, نمازی تھا, بڑا پرہیزگار تھا, بڑی نیکیاں کرتا تھا, تمام نیکیاں انجام دیتا تھا, لیکن مجھ کو تکلیف دیتا تھا. مجھ کو تکلیف پہنچاتا تھا, میں ناراض ہوں اس سے, میں ناراض ہوں اس سے, مجھ کو ناراض کیا, مجھ کو تکلیف پہنچایا, میں اس سے راضی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دو اس کو, اس کا دنیا سے جانے کا وقت ہے, اس کو تم معاف کر دو. اب ماں کو تکلیف پہنچی ہے, وہ بیچاری بولی نہیں یا رسول اللہ بہت ستایا مجھ کو, میں اسے معاف نہیں کرتی, کلمہ نہیں نکل رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کیا تم اس بات کو گوارا کرو گی, کیا برداشت کر سکو گی کہ تمہارا بیٹا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جلے؟ بعض روایتوں میں آیا کہ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ تم لکڑیاں جمع کرو, لکڑیاں جمع کر کے, لکڑیاں جمع کرو, لکڑیاں جمع کر کے آگ لگاؤ. وہ عورت پریشان ہو گئی, بولے کہ رسول اللہ کی یہ لکڑیاں کیوں جمع کی جا رہی, کیوں آگ لگائی جا رہی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں علقمہ کو اس آگ میں ڈالیں گے. یا رسول اللہ میرے بچے کو آگ میں ڈالیں گے؟ ایسا نہیں, میں برداشت نہیں کر سکتی, یہ ایک ہے, میں برداشت نہیں کر سکتی میرا بچہ آگ میں جلے. حضور نے فرمایا اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گی تو وہ آگ میں جلے گا, اللہ اسے آگ میں ڈالے گا, معاف کر دو. فوری معاف کر دیا. رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے اسے معاف کر دیا. جیسے ہی ماں نے معاف کیا زبان سے کلمہ نکل گیا, زبان سے کلمہ نکل گیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے, دنیا سے گزر گئے, انتقال ہو گیا, کلمہ زبان سے نکلا. ماں معاف کری, کلمہ زبان سے نکل گیا. یہ معاملہ ہوتا کیوں ہے؟ دنیا ماں باپ رہ گئے, وہ دنیا سے چلے گا. ماں باپ حضور تھے, حضور کی کرم نوازی ہماری تعلیم کے لیے کہ یہ اہمیت ہے, ماں باپ کی رضامندی اور ناراضگی کا یہ مقام. وہ ناراض ہے تو پھر جہنم. صحابی ہے, صحابی, پھر بھی حضور نے فرمایا کہ کیا ہوتا میرا صحابی ہے, ماں باپ آج ہم چار نمازاں پڑھ کے, چار نیکیاں کر کر التزام میں رہتے ہیں, ماں باپ کی اہمیت, ان کی رضامندی ناراضگی کا احساس اور خیال تک نہیں رہتا ہے. شادیاں ہونے کے بعد رنگ الگ ہو جاتے ہیں. جی بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, اس کے حقوق اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے غلام بن کر ماں باپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑنا ہے, ماں باپ کے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے, ماں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا. تم کو کوئی اختیار نہیں ہے, ایسا کوئی کام نہیں جس کی وجہ سے ماں کے دل کو تکلیف پہنچ, بیوی کے حقوق پورے آپ کو ادا کرنا ہے. لیکن یہ معاملہ ہے, بیوی کو خوش کرنے انہیں کچھ تو بھی چڑھا دیتی, اس کی انگلی کے اشاروں پہ ناچ کر ماں کو کچھ بول دیا, ماں آپ کے جی سر پہ سوار ہو گیا, نہ جانے کیسے کیسے ظلم, گھروں سے نکال دیتے ہیں بدبخت ماں باپ کو.
अस्तग़फिरुल्लाह, जहन्नम इनका ठिकाना है, जहन्नम। वो तो सहाबी थे, सहाबी। हुज़ूर ने फरमाया अगर माँ, अगर तू माफ नहीं करेगी तेरा बच्चा जहन्नम में जा, सहाबी है जहन्नम में जाएगा फरमाया। जैसे माफ की, हुज़ूर ने माफ करवाया, हुज़ूर की इनायतें, माफ कर दे, माफ नहीं है तो हुज़ूर ने उसके सामने बयान किया आग में जलेगा, नहीं आग में जलना गवारा नहीं, तो फिर माफ कर दे, आग से बच जाएगा। माफ की, जुबान से कलिमा निकला और इंतकाल हो गया। नहीं नहीं, मरते वक्त कलिमा नसीब हो जाए तो इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खातिमे पे, एंड पे, एंड अच्छा रहना है। उम्र बढ़ गई, ऐसी वैसी गुजर गई होंगी, गुजर गई, अब छोड़ो। अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला, अपना खातिमा खैर पर कर। भाई इतनी उम्र हो गई, भाभी इतने साल जीऊँगा, हाँ उम्र की ज्यादती के साथ इंसान जो जो बूढ़ा होता है, जो जो उम्र उसकी बढ़ती है तो दो ख्वाहिशात भी उसके अंदर जवान होते, माल की ख्वाहिश, ज़्यादा जीने की ख्वाहिश। ये भी एक अलग आफत है। देखो आप, नहीं भाई इतना जी गया ना मैं, इतना माल कमा लिया ना, अब क्या है भाई, बस बस हो गया माल, नहीं और आन दो, और आन दो रहता मामला। ये तबीयत, इंसान की तबीयत बनी हुई है। हुजूर ने फरमाया ना, अगर इंसान को सोने की अगर एक कान मिल जाए, कान, कान क्या होती, बस निकालते जाओ, कोयले की कान निकालते जाओ, निकलते जाता कोयला जी, सोने की कान, कान है, जितना निकालो निकलते जाता, निकलते जाता, खोदते जाओ निकालते जाओ, कान, सोने की कान। एक अगर सोने की कान मिल जाए, बस नहीं करता उसको, बस बस हो जाता उसको, उसकी क़यामत तक पीढ़ियों को बस हो जाती कान सोने की। लेकिन क्या करता, वो एक कान आ गई ना, दूसरी कान की तलाश में निकल जाता, अब कहाँ होंगी और एक कान सोने की, दूसरी कान सोने की और एक कान की तलाश में, उसकी जुस्तजू में, उसको ढूंढने के लिए निकल जाता। ये फितरत होती है। अल्लाहु अकबर, माँ बाप का मामला। ये रह गया, माँ बाप गुजर गए, हक तलफियाँ कर लिया, हक तलफियाँ कर दिया, नाराज़ करता रहा, नाराज़ रहे, जुल्म करता रहा, अब क्या करना भाई, अब तो मौका नहीं है। ये है, माँ बाप गुजर गए, माँ बाप को पकड़ के अम्मी माफ़ करो। इसके लिए उलमा ने फरमाया कि माँ बाप की कब्र पर, उनकी ज़ियारत के, उनकी कब्र पर जाए, उनकी कब्र पर जाकर उनसे माफ़ी मांगे। कब्र पे जाने के, वो तो कब्र पर, तो किसकी भी कब्र पे जाओ मालूम हो जाता उसको, मेरी कब्र पे आप आए भी तो मैं मालूम हो जाता, आपकी कब्र पे मैं भी आ गया तो हसन फारूकी आया बोल के आपको भी मालूम हो जाता, इल्म हो जाता कौन आया। अब आपने अरे मिट्टी के अंदर, उन्हें इतनी मिट्टी के अंदर डाल दिए, या खाली एक लकड़ी का एक पर्दा डाले तो नहीं मालूम होता, एक पर्दा डाल दिए तो पर्दे के पीछे क्या है नहीं मालूम, यहाँ बीच में पर्दा डाल दो, इनो बैठे, इनो कदीर में इधर हटकर, खाजा भाई यहाँ पर आ गए, मैं, मेरे को पता ही नहीं है, मैं अब जो देखा पहले यही है, इन दोनों भी चले गए, कोई और आके बैठे तो मेरे को पता थोड़ी रहता। ये दुनिया की ज़िंदगी ऐसी कमज़ोर है, मरने के बाद उतने मनो मिट्टी तले नीचे सिला डाल दिए, ऊपर पैक कर दिए, वो मिट्टी के वो क्या बोलते मारते सो भिगा के मुद्दे, मुद्दे मंगा 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 के वो साना थे से, वो सानों को भी पैक कर दिए, उसके ऊपर फिर और मिट्टी डाले, फिर पत्थर से पूरी कब्र भी बना दिए। अब बोल रहे हैं कि कब्र के पास कोई भी आया तो मालूम होता, मालूम होता। अरे कोई आया तो 6 फीट का इंसान तो क्या, यहाँ तक बात बताई गई कि कब्र के ऊपर परिंदा बैठता है तो वो नर है या मादा है कब्र वाले को पता चल जाता, मेरी कब्र पे, मेरी कब्र पे चुड़ी बैठी या चुड़ा बैठा, ये तक मालूम हो जाता उसको, इतना अवेयरनेस उसके अंदर आ जाता, इतना अवेयरनेस उसके अंदर आ जाता। ये जिंदगी है, वो ये जिंदगी बड़ी कमजोर जिंदगी है, कई पर्दे इसमें, तो वहां पर कैसा मामला हो गया। फिर इसीलिए ना, करीबी रिश्तेदार अगर आते हैं, करीबी रिश्तेदार, रिश्ते नाते वाले जब कब्र की ज़ियारत को आते हैं ना, तो कब्र वालों को उनस हासिल होता रहता, नहीं मिलना है तो खुशी होती ना, अरे इतने दिन के बाद आए कहाँ हैं भाई, अरे क्या, तो खुशी होती। देखिए आप ज़ियाफ़त करते, ये लाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ, ये क्यों, खुशी किसे, मिलने आए करे तो उनस हासिल,
قبر کی وحشت کا عالم, وہ وحشت کی تنہائیوں میں کہ میں ہے, آپ کے عزیز و قریب رشتہ داروں میں سے کوئی آ گیا تو قبر والے کو انسیت ملتی ہے, خوشی حاصل ہوتی ہے اس کو, بھائی میرا یہ آیا, میرا بیٹا آیا, میرا بھائی آیا, میرا عزیز آیا قبر کی زیارت کو. اللہ اکبر. تو وہ نہ ماں باپ کی نہ تو ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جائے, ایصال ثواب کرے, فاتحہ خانی کرے اور ان سے معافی مانگ لے کہ امی آپ اپنے کلام کریں, وہ سنتے ہیں آپ کلام بھی. السلام علیکم یہ کیا ہے, کنورزیشن ہے آپ کا, یہ السلام علیکم یہ گفتگو ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلام ہو. گئے امی السلام علیکم, قبر والے ہی چھو ایسا بھی بولے تو آپ کو منع نہیں ہے, آپ امی کی قبر پہ جا کے, ابا کی قبر پہ, ابا السلام علیکم بابا, یہ جیسا رہے دنیا میں رہتے, یا اہل القبور بول کے بول رہے ہیں آپ سارے قبر والوں کو, جی سب کو ملا کے سلام کر رہے ہیں, یا اہل دیار المومنین بول کے بھی ہے, اے ایمان والوں کے گھر دیار والوں یعنی جو قبرستان ہے, تم تمام کو سلام ہو. کنورزیشن ہے, اتنے پہ بس نہیں, جو حدیث میں جو کنورزیشن سکھایا گیا کیا ہے آگے, انتم سلفنا ونحن بالخلف, یہ بھی کنورزیشن ہے آگے قبر والوں سے, مردے پڑے ہوئے لوگ بڑے مر گئے مردے, ارے ان لوگوں کیا معلوم مردے, ان لوگ کیا سنتے مردے, ارے کیا سنتے, تم سے زیادہ سنتے ان لوگ, ان سے آپ کنورزیشن کر رہی ہیں, اے قبر والو, اے ایمان والوں کے قبرستان والو تم تمام کو سلام, تم ہم سے آگے چلے گئے, پہلے گئے نا اللہ کا انتقال ہو گیا نا, تم ہم سے آگے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے, ونحنو بالخلف تم ہمارے سے آگے جا آگے چلے گئے, تم پہلے قبرستان پہنچے تمہارے پیچھے ہم بھی قبرستان آ رہے ہیں, یہ کنورزیشن ہے قبر والوں کے ساتھ, قبرستان والوں سے یہ کنورزیشن ہے, یہ سب سنتے ہی امی ابا کی قبر پہ جا کے پھول چڑھا دیے, یہ عقیدت کا اظہار ہے, محبت کا اظہار ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو یاد ہے قرآن آپ کو, خالی سورہ فاتحہ یاد ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو, جو کچھ قرآن آپ پڑھ سکتے جتنا قرآن, وہ ہے اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے یہ بڑا اچھا آسان عمل دیا, حدیثوں کے حوالے سے کم وقت میں زیادہ ثواب والی بات, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو مکمل قرآن کا ثواب حدیث میں آیا, کتنا ہے چھوڑے وقت میں پورے قرآن کا ثواب ہو گیا, پھر سورہ اخلاص پڑھو تو ون تھرڈ ایک ثلث ون تھرڈ قرآن کا ثواب ملتا, سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھے تو ون تھرڈ ٹو تھرڈ تھری تھرڈ ملا دیے تو پورا قرآن, تو تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے تو ایک مکمل قرآن, مکمل قرآن کا ثواب, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے تو ایک مکمل قرآن کا ثواب, تو اتنی دیر میں جس فاتحہ پڑھے تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ قل اللہ احد پڑھنا, دو قرآن مکمل قرآن کا ثواب آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے فرمان کے مطابق اس کا بتا ثواب ہے, آپ وہ ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کر ماں باپ کی روح کو پہنچائے, اللہ میرے امی ابا کی روح کو میں جو پڑھانا فاتحہ قل اللہ احد یہ قبول کر لے مولا, اس کا ثواب میرے امی ابا کی روح کو پہنچا دے, میرے امی ابا کو پہنچا دے یہ بولو, میری امی ابا کی قبر میں پہنچا دے یہ بولو, کچھ بھی الفاظ بولو, قبر میں پہنچا دے بولو, روح کو پہنچا دے بولو, امی ابا کو پہنچا دے بولو, پہنچنے کا وہی نیت آپ کی, پہنچ گیا آپ ایک گفٹ دے دیے بھی امی ابا, ایک پانچ دس پندرہ لاکھ بریف کیس میں لا کے امی ابا کو خدمت میں پاؤں میں لا کے رکھ دیے, پندرہ لاکھ پچیس لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے امی قبول کر لیجئے, بولے اس سے زیادہ اہمیت آپ کے ایک سورہ فاتحہ تین سورہ اخلاص کی ہو گئی, وہاں پر دنیا میں خوشی ہوتی نا, ارے اتنے پیسے میرا لال میرا بیٹا میرا چاند, اللہ تیرے کو اور ترقی دے, تیرا کر دے تیرا وہ کر دے, دودھ کی نہریں بہے, کیا کیا دعا نہیں, کتنی دعا جتنی اماں دیتی اتنی دعائیں کوئی بھی نہیں دیتا, دل کھول کے دیتی بیچاری تھکتی نہیں, ایسے ایسے نئے نئے الفاظ سے دعائیں دیتی بیچاری, خوش کر دیا
अब ये आप ये तोहफा पेश करें, अल्लाह ताला पहुंचाता फरिश्तों के जरिए से, हो जिस हिसाब से पहुंचता पूरा कुरान का सवाब, तो क्या आलम रहता उनकी खुशी का। फिर ऐसे वक्त में अम्मी माफ़ कर दो बोले तो माफ़ कर देते, अम्मा से माफ़ी चाह लेना, बाओ से माफ़ी चाह लेना, बाप कब्र की ज़ियारत को जाके उनसे वहाँ माफ़ी चाह लेना। और फिर ये भी आया उत्ते पे नहीं, फिर हर नमाज के बाद में अपने लिए दुआ, अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ करना, ऐ अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। अब भाई अरबी में याद, अरबी में थोड़ी तो अल्लाह ताला ज़ुबान हमारे वास्ते ज़ुबान, सारी ज़ुबानों का वो तो खामोशी की ज़ुबान सुनता अल्लाह ताला। तो अब दिल में चल रही दुआ आपकी, ऐसी छे थे लोग दुआ यूँ खामोश ठहरे ठहरे आंसुओं बहते लोगों के, दुआ कर रहा हूँ ने, अरे मुंह बंद है, आँखा बंद है, मुंह भी बंद है, लेकिन आंसू बह रहे हैं। ये कौन सी जुबान है जी, ये कौन सी जुबान, अल्लाह ताला ये जुबान सुनता। आप अपनी जुबान में दुआ करिए, मलयालम में, तेलुगु में, मराठी में, कोई भी जुबान, जो जुबान है, सारी जुबानों का खालिक अल्लाह है। और ये सारी जुबानें अल्लाह ताला हजरत आदम को सिखा दिया था, वअल्लमल आदमा अस्मा कुल्लहा, सारे अस्मा अल्लाह ताला ने आदम को सिखा दिए, सारी जुबानें आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखा दी थी, हर चीज के नाम बता दिए थे, सब कुछ, और क्या चीज क्या काम में आने वाली है वो सब अल्लाह ताला ने बता दिए, जो चीजें आइंदा कयामत तक पैदा होने वाली है वो भी अल्लाह ने बता दिए आदम अलैहिस्सलाम, और उसके काम भी बता दिए, एरोप्लेन है ये, ये इसको प्लेन बोलते, इसको हेलीकॉप्टर बोलते, ये हवा में उड़ता, उस हजरत आदम को सब बता दिया गया है, नाम भी, वल मुसम्मयात फरमा, यानी जो कुछ, यानी नाम तो मुसम्मयात, कुर्सी का नाम नहीं बताया, कुर्सी भी, ये भी अल्लाह ताला बता दिया हजरत आदम को, इसको कुर्सी बोलते बोल के भी बता दी। सुबह तो मांगे, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मेरे माँ बाप की मगफिरत, सबसे ज्यादा एहसान आप पर माँ बाप का एहसान, अल्लाह के बाद रब मजाजी बोलते हैं ना, रब हकीकी अल्लाह, मजाजी रब माँ बाप, कमा रब यानी सगीरा, कुरान में भी अल्लाह ने वकुर रब रहम हो माँ, और तुम कहो ऐ मेरे रब मेरे माँ बाप पर रहम कर, जैसा कि उन्होंने बचपने में मेरी परवरिश की, मुझ पर रहम किया, शफ़क़त किया, रब यानी कमा रब यानी, जैसा कि उन्होंने मेरी परवरिश की, उनके ताल्लुक से उनके लिए भी रब का सेगा इस्तेमाल हुआ, मजाजी रब है वो जी, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा जी, जितनी बखालत नहीं करना दुआ करने में, ये यहाँ तक आया, कितनी बड़ी बदियत था, ऐसे तसव्वुर नहीं कर सकते आप, नेकियाँ बटोरने के लिए ईमान वालों के लिए बंदा दुआ करता है, अल्लाह सारे ईमान वालों की बख्शिश फरमा दे, कहीं को बखालत करना आपका क्या जाने का है उसके अंदर, आप कहीं को बुखल कर कंजूसी करते भाई, मांगो ना, आपका क्या जाने का है उसके अंदर क्या होता है इससे, अल्लाह सारे ईमान वालों को बख्श दे, आप दुआ करें। रिवायतों में आया है कि अल्लाह ताला जितने ईमान वाले सारे ईमान वालों के बराबर उसको नेकी अता फरमाता है, जितने ईमान वाले हैं उनकी मगफिरत की दुआ करा इन्हें अल्लाह ताला, उतने ईमान वालों के बराबर वो दुआ करने वाले को नेकी अता फरमा रहा, क्या क्या खजाने उसके किस किस अंदाज से अपने बंदों पर वो खजाने अल्लाह ताला लुटाता है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, ना काबिले यकीन नहीं होता, हम तसव्वुर नहीं किया जा सकता, वो उस अल्लाह की शान रहीमी और शान करीमी के जलवे ऐसे होते हैं, ऐसे होते। दुआ करना हर नमाज के बाद, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मेरे वालदैन की मगफिरत फरमा, मुझको बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, मुझको बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श, नमाज के बाद चलते फिरते अल्लाह को याद करना, दुआ करना, दुआ करना पसंद है अल्लाह ताला को, पसंद है। अरे ये क्या चलते फिरते मांग रहा मियाँ, नहीं है, अरे ये क्या खिट खिट चलते फिरते, अरे बैठ कुछ भी नहीं, जैसे मांगो, लेटा हुआ है, लेटे लेटे याद आ गई, दुआ
जी सो रहा, चित लेटा, पांच करवट लेटा, पलटते हुए दुआ, अल्लाह मगफिरत फरमा। अल्लाह ताला जितना मांगने वाला बंदा अल्लाह को पसंद है, जो जितना मांगेगा उतना ज्यादा अल्लाह का पसंदीदा है, उसकी शान है, शान करीमी और शान जवादी। ये बुआ तो हमेशा ये दुआ करते रहना, गरचे के दुनिया में नाफरमानी करता रहा, माँ बाप को तकलीफ पहुँचा दिया, गलती हुई, अब एहसास हो गया बहुत गलती पर था मैं, बहुत मेरे से बहुत बड़ी गलती चूक हो गई, माँ बाप तो रुख्सत हो गए मेरे हाथ से निकल गए, मैं उनकी कदर नहीं कर सका, नाफरमान नहीं करता रहा। तो ये दुआ हमेशा करते रहने वाला, माँ बाप मौला मेरी मगफिरत फरमा, मुझको बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, ये जो दुआ करते रहने वाला जो बंदा होगा तो कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उसको उठाएगा तो माँ बाप के फरमा बरदार की हैसियत से उठाएगा, माँ बाप के फरमा बरदार की हैसियत से उठाएगा। आज की रात माँ बाप के नाफरमान की भी मगफिरत अल्लाह ताला नहीं फरमाता। आकुल बदकार जिनाकार जो होता है, अल्लाह ताला उस बदकार की, आदि शराबी की, बदकार की भी मगफिरत अल्लाह ताला आज की रात नहीं फरमाता है, जबकि सारी मखलूक की मगफिरत हो जा रही है, इन लोगों की मगफिरत नहीं है। हाँ ये उसका करम है कि अब भी मौका है कि वो तौबा कर ले, तौबा कर ले कि मौला आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा, आइंदा इस गुनाह के करीब नहीं जाऊँगा, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा, मौला आइंदा किसी से कीना कपट नहीं रखूंगा, शिर्क से दूर भागूंगा, बेजार हूं शिर्क से, मैं शिर्क के करीब गया ना शिर्क के करीब जाऊंगा, आइंदा मौला कीना कपट से भी अपने दिल को मैं पाक और साफ कर लेता, सब कीना कपट भी निकाल दिया, मौला किसी से नाराजगियां भी दूर कर लिया, मैं किसी का मैल कुचैल दिल में नहीं, किसी से गुफ्तगु सलाम कलाम भी मैं बंद किया जारी कर लिया, ताल्लुकात तोड़े थे जोड़ लिया, रिश्तेदारियां काटी थी जोड़ लिया, मौला वालिदैन के अभी नाफरमानी तौबा कर लिया, वालिदैन जिंदा है माफ़ी चाह लिया, माफ़ी हासिल कर लिया, उनको राज़ी कर लिया, जी इंतकाल हो गया तो ये तौबा तिल्ला अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से कर कर ये मामलात अपने दुरुस्त कर ले, दुरुस्त कर ले कि क्या आज की रात मगफिरत की रात अल्लाह ताला की तरफ से, इनकी मगफिरत नहीं होती तो हम इनकी इन में से ए फेरिस में अपना नाम शामिल ना हो, ये अपनी तरफ से कोशिश कर कर उस फेरिस से अपना नाम निकाल कर बस आम लोगों की फेरिस में रख लिया तो काम हो जाता। ये रात अल्लाह ताला फरिश्ते के हवाले दफ्तर कर देता है, दफ्तर रजिस्टर, दफ्तर बोलते हैं ना, रजिस्टर फरिश्ते के हवाले कर दिया। क्या है फिर रजिस्टर में? हाँ ये रजिस्टर में मैं बैठा हूँ अभी, बोल रहा हूँ जी, बोल रहा हूँ पूरी सेहत तंदुरुस्ती के साथ चाको चौबंद, अल्लाह ताला फरिश्ता फरिश्ते के हवाले दफ्तर रजिस्टर कर दिया। अब वो रजिस्टर में अल्लाह ताला नाम लिख दिया उनके, आप सुन रहे हैं यहाँ पर आज आप हैं होशो हवास के साथ, देख भी रहे हसन फारूकी बोल रहा है, सुन रहे हैं उसको जो भी बोल रहा है जी, बैठे फिर कल की प्लानिंग है आपकी, कल की प्लानिंग, परसों की प्लानिंग, ये दो महीने के बाद ये मेरा अपॉइंटमेंट है पीएम, दो महीने के बाद ये मेरा प्लान है, वो मेरा प्लान, ये सब प्लानिंग पूरी है आपकी अपनी जगह, लेकिन फरिश्ते के हवाले अल्लाह ताला वो दफ्तर कर दिया, रजिस्टर कर दिया, उसमें नाम लिखे हैं किनके, उन लोगों के जो आइंदा साल शाबान आने तक जो दुनिया से रुख्सत हो जाएंगे। मुझको खबर नहीं आज मैं बैठा हूं, आइंदा साल आने तक मैं रहूं ना रहूं मुझको पता नहीं है, मेरा नाम उस रजिस्टर में लिखा। इसीलिए हुजूर पीराने पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके कफन धुलकर तैयार होकर, जिनके कफन तैयार हो गए हैं, जिनके कफन को तैयार कर दिया गया, उनके नाम का कफन कट गया, मार्केट में आ चुका है उनके नाम का कफन, लेकिन ये बाजारों में घूम रहे हैं, दुनिया की मस्ती में पड़े हुए हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, दुनिया कमाने जमाने में पड़े हैं, लेकिन उनके नाम का कफन कट कर तैयार होकर मार्केट में आ गया। कितने ऐसे लोग, ये बड़ी आपके एक तवील अशआर है वहां पर, इस तरह से कितने ऐसे हैं जी
जो शादी कर रहे हैं, जो शादी किए हुए हैं, जो बच्चे बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इनका नाम जिंदों के रजिस्टर से निकाल कर मुर्दों के रजिस्टर में लिख दिया गया है। अब उनके जिंदों के रजिस्टर में नहीं है, मुर्दों के रजिस्टर में उनका नाम लिख दिया गया है, उनको खबर नहीं है, वो तो अपनी खुशियों में पड़े हुए हैं। ये मामला ये है शाबान के महीने में शब बरात के मौके पर अल्लाह ताला हवाले कर देता है वो फरिश्ता। अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां दी हैं, मौत की रूह कब्ज़ करना अल्लाह के इख्तियार में है, उसके इख्तियार के बाहर नहीं है, लेकिन अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया है, फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है, रोज़ी रोटी पहुँचाने के लिए फरिश्ते, रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते, जी बारिश बरसाने के लिए फरिश्ते, बादलों को हांकने के लिए फरिश्ते, बादल को इधर से उधर, उधर से इधर नहीं, बारिश पूरा बारिश पर काला बादल ऊपर आ गया, अरे बाप अब बारिश होती बोलते, फिर कुछ ही मिनट के अंदर वो बादल वहाँ चले जाता, बारिश वहाँ होती, अल्लाह ने लिख दिया था वहाँ बारिश होने का है, तो बादलों को हांकने वाले फरिश्ते, ये सब कुरान करीम में मौजूद है। जी वन्ना ज़ियाति गर्का वन्ना शितौति नश्ता, ये सब ये है, वल मुरसलाति उर्फा फलफारिकाती फरक़ा, ये फरिश्ते, फरिश्तों की कसमें अल्लाह ताला याद फरमा रहा है, ये जो मुख्तलिफ उमूर के लिए कामों के लिए अल्लाह, तो फरिश्ते के हवाले कर दिया है। अब ये पूरा एक साल का रजिस्टर है वो, जिसमें ये सब हवाले, जी मरने वालों के नाम, पैदा होने वालों के नाम, ये पैदा हो मरने वाले के वो फरिश्ते उसके हवाले कर दिया ये नाम। अब लेते ही अब उसका टाइम भी है, ये टाइम पर ये महीने में ये दिन ये टाइम पर ये मकाम पर ये सब उसमें लिखा होता है कि जिस मकाम पर मौत आना है उसकी मौत उसी मकाम पर आती है, जिस वक्त में उसकी मौत आना है उसकी मौत उसी वक्त में आती है। इदा जा अजलुहु ला याखरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब उनकी मौत आ जाती है तो ना एक लम्हा ना आगे बढ़ा सकते ना पीछे कर सकते, वक्त मुकर्ररा पर मौत आती, जो वक्त मुकर्रर है, इसीलिए बोलते हैं मौत का अगर वक्त नहीं आया, अगर मौत का वक्त नहीं आया, मौत खुद इंसान की हिफाजत करती है, वक्त नहीं आया मौत, मौत का वक्त अगर नहीं आया मौत खुद इंसान की मुहाफिज होती है, अगर वक्त आ जाए तो सारी दुनिया मिलकर बचा भी नहीं सकती उसको, मौत का वक्त ये है मामला, ये ऐसा निज़ाम फरिश्ते के हवाले। अब जिसकी जब किसी की आज ही रात किसी का इंतकाल हो जाता, जी आज ही रात किसी का इंतकाल हो जाता, नहीं नहीं गया वो रजिस्टर में, ऊपर ही उसका नाम था बेचारे का, स्टार्टिंग में ही नाम था उसका, अब नाम जिसका है इंतकाल होने वाला, बिबास का लास्ट में आता है, बिल्कुल शाबान आ गया, बिल्कुल शबे बारात से पहले इंतकाल ही नहीं, इसका नाम इतना आखिर में लिखा हुआ आता है, जो रजिस्टर एक साल पहले दिया गया था एक साल के बाद नंबर आया उसका, तो जो नंबर जब है वक्त मुकर्रर उसी वक्त पे। बड़ी एक बड़ी लतीफ बात कससुल अंबिया में बयान की गई, अब नबियों के जो वाकयात होते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम थे ना, अल्लाह ताला हवा मुसख़र किया था उनके, जी वसख़रना लहुर रीह, कुरान में हमने उनके लिए सुलेमान के वास्ते हवा को मुसख़र कर दिया, हवा को हुक्म फरमाते ऐसा चल तो यूं चलती, फिर हवा जिधर चलती हर चीज़ हवा के रुख पे चल रहे बोलते थे, जिधर की हवा उधर चलते हैं, तो हवा चलती थी, हजरत सुलेमान को मुसख़र कर दिया गया था। अल्लाहु अकबर। तो हजरत सुलेमान अली सलाम का तख्त जो था, हजरत सुलेमान अली सलाम पूरे तख्त पर हवा ताबे थी, हवा पूरा ऐसा, हवा हर चीज़ को उठाती है ना भाई, बस्तियों के बस्तियों का सुनामी जो आती है क्या है, फिर वो हवा चलती है पूरा उलट देती, बस शहर के शहर उलट देती, बिल्डिंगों को उखाड़ के फेंक देती, हवा का जो चलता है दबाव, झोंके चलते दरख्त उखड़ जाते, जी पोल उखड़ जाते,
बिल्डिंगें उड़ जाती हवाओं के से, ये सब हवा का। हजरत सुलेमान अली तख्त, हजरत सुलेमान का हवा ताबे थी तो हवा को हुक्म देते, पूरा तख्त हजरत सुलेमान का हवा में सफ़र करता, कहीं जाना होता हवा उड़ाती, बुलंदी पे ले जाती और ले जाती जा रहे सुलेमान। फिर साथ ही साथ परिंदे मुसख़र थे तो परिंदे पूरा साहिबान बनाते थे, छतरी धूप से तमाजत से पूरे परिंदे मिलके पूरा साहिब साथ साथ चलते तो साहिबान होता, एक कैफियत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहरहाल तज़किरा है, दरबार में एक साहब बैठे हुए, दरबारी दरबार में बैठे, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में वो साहब उनके उनकी उम्मत में से थे, उन्होंने बैठे हुए वहाँ पर मलकुल मौत, मलकुल मौत मुख्तलिफ शक्लों में आते, फरिश्ते जिन्नात शक्लें, क्योंकि लताफत है उनके अजसाम में, उनके जिस्म में लताफत होती है तो वो मुख्तलिफ तरह के अजसाम जिस्म की शक्लें इख्तियार कर सकते। तो मलकुल मौत दरबार में वहाँ पर आकर बैठ गए और वो जो शख्स था उसको इस अंदाज से घूर कर देखे, ऐसी डरावनी शक्ल के साथ उसको ऐसे घूर कर देखे, देख के चले गए। वो फौरी तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब आ गया कि नबी पैगंबर ए नबी सुलेमान, वो कौन थे बल्कि वो जो अभी जो गए हैं आके उन्होंने कौन थे बल्कि। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मलकुल मौत है। क्या फरमाया? मलकुल मौत, फरिश्ता, मौत का फरिश्ता है। बोलते घबरा गया, मौत का फरिश्ता घूर के देख रहे थे, उन्होंने घूर के देख रहे थे मेरे को, खुदा के लिए आप मुझको फौरी यहाँ से, कोई दूसरे मुल्क का नाम लिया मुझको आप फौरी यहाँ से वहाँ भिजवा दीजिए, यहाँ से मुझको फौरी वहाँ पर पहुँचाने का इंतज़ाम करिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा हवा जितनी रफ्तार में चाहे चलती और सैकड़ों में पहुँचाती, हवा लेकर उड़ा कर लेकर गई और कुछ सेकंडों में, कुछ ही सेकंडों के अंदर, कुछ मिनटों में वो दूसरे मुल्क में उसको पहुंचा दिया। जैसे ही बड़ी वहां पर पहुंच गया, उन्हें दूसरे इलाके में जैसे पहुंचा अपने आप को हल्का फील किया, मलकुल मौत घूर के देखे थे वहां, अब अपन तो यहां आ गए, यूं करते ही सामने मलकुल मौत मौजूद। या क्या बोलते, आपने फरमाया कि तेरी रूह मुझको यहाँ पर कब्ज़ करना था, ये वक्त ये टाइम पर तेरी रूह मुझको यहाँ पर कब्ज़ करना था, मैंने देखा कि तू सुलेमान के दरबार में बैठा हुआ है, ताज्जुब हुआ मुझको, बस मैं तुझको इसी तरह से घूर के देख लिया और मुझको कुछ लम्हे के बाद तेरी रूह मुझको यहाँ कब्ज़ करना था, तू वहाँ पर था तो मैंने तुझको देखा वहाँ पर और तू खुद अपने आप को यहां पहुंचाने का इंतजाम कर लिया, मौत खींच के लाती। बोलते देखिए, अरे भाई अच्छा खासा बैठे थे भाई, मौत खींच के ले गई। बोलते देखो आप, बोलते ना अच्छा खासा बैठा था भाई, सुकून से बातचीत कर रहा था भाई, अच्छा खासा ये उठ के अब भी आता बोल के गया बेचारे का, एक्सीडेंट हो गया, बोला क्या क्या बात, मौत खींच के ले गई, ये लफ्ज बोलते देखे उन्हें, लेके तू खुद अपने आप को यहां पर पहुंचा दिया, मौत खींच के लाई। तो जो वक्त मुकर्रर रहता है, जो टाइम, उसी टाइम पर जो जगह भी होती है उसी जगह पर मौत आनी है, तो उसी जगह पर उसी टाइम पर मौत आती। रजिस्टर हवाले कर दिया गया, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हम में से कितनों के नाम रजिस्टर में, उस फरिश्ते के हवाले करदा रजिस्टर में नाम लिख दिए गए कि हम आइंदा साल तक रहे ना रहे, मरना है एक दिन। हकीकत हकीकत से इनकार नहीं है इस, लेकिन अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लायक बनाना है, पहुंचने के लायक बनाना है। आप मार्केट से यहाँ पर आने के लिए, ऊपर आने के लिए अपने आप को यहाँ पर मस्जिद के यहाँ पर मुसल्ले पे आने के लायक बनाने, उसके लिए भी लायक बनाते हैं। आप क्या करते, दुकान से उठ के सीधा यहीं नहीं आ जाते, आप नीचे जाते यूं जो भी है, उसके बाद फिर नल कने जाके वजू वजू करते पूरा,
पूरा वजू करके, पूरा पहुंच के करके, आप टोपी वगैरह लगा के करके ऊपर यहाँ पर आने के लायक बनाए, फिर आए यहाँ पर। अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचना है यकीनी है, और फिर हमको खबर नहीं। जैसा हुजूर पीराने पीर ने फरमाया कि वकम मिन कफनिन मगसूलू, कितने ही कफन ऐसे हैं जो धुल के फ्रेश हो के सब तैयार मार्केट में आ गए, लेकिन वो कफन वाला बाजारों में घूम रहा है, दुनिया की चकाचौंध देखने में लगा हुआ है, उसको खबर ही नहीं कि उसका कफन आ गया, तैयारी मौत का वक्त करीब आ गया, उसे पता नहीं है। ये चीज है, इसका एहसास करते हुए अपनी तैयारी करना है, अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचने के लिए अपने आप को आमादा और तैयार रखना है। इसीलिए तो बुजुर्गों का मामला यही होता था, ईमान की वो कैफियत और अपने आमाल ऐसे होते कि फिर वो तो अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए बताया जाता कि तुमको पहुंचना है, तो वो खुशी से मचल जाते, खुशी से मचल जाते, बोलते वाह तौरबा, ये तो खुशी का मौका है, ये तो मसरत का मौका है, ये तो बस मसरत और खुशी की बात है कि रब्बे जलील की बारगाह में पहुंचना है, रऊफ और रहीम की बारगाह में पहुंचने का मामला है। ये उस वक्त में, वरना इंसान अपने आमाल अपने किरदार की वजह से घबरा जाता है, यकीनी तौर पर जज साहब के सामने जाना है, हिसाब किताब देना है, तो फिर इंसान जो मुजरिम होता है वो तो बड़ा पशेमान रहता है, हैरान रहता है और परेशान रहता है कि भाई जाना है, परेशान नको भाई, जान दो भाई, डिले करने का पेंडिंग पड़ते रहा तो अच्छी ये चीज़ होती, लेकिन जब मामला सब कुछ है तो फिर तैयार रहता है। अपने आप को कोशिश करें, अल्लाह के हवाले करें, उसकी तैयारी इस तौर पर करें, इस तौर पर करें कि शब बरात का मौका है, अल्लाह ताला जब फरिश्तों के साथ 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 बंदे के लिए ये मौका है कि अल्लाह तबारक व ताला इस मौके पर कि आइंदा साल तक इसके हिस्से में कितनी रोज़ी आने वाली है, कितनी रिस्क में फरावानी आने वाली है, रिस्क में कुशादगी आने वाली है, कारोबार में तरक्की होने वाली है या कारोबार में इन्हितात होने वाला है, रोज़ी रोटी में नुकसान होने वाला है, सेहत बिगड़ने वाली है, औलाद का नुकसान है, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला आज के दिन वो फैसले फरमाता है। इसीलिए जो दुआ है, दुआए निसफ शाबान जो आती है कि शब बरात के मौके पर जो दुआ जी किताबों में भी लिखी है, वो दुआ में यही है कि परवरदिगार तूने अगर आज की रात मौला तूने अगर हमारा नाम शकियों में, बदबख्तों में, महरूमों में, महरूम लोगों में जी अगर तूने लिख दिया है तो मौला तू मेट दे, क्योंकि तेरे पास किताब तेरे पास है, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, तेरा फरमान है, जो चाहता है बाकी रखता है, जो चाहता है मेट देता है, तेरे इख्तियार में मौला। बस अगर शकावत, बदबख्ती, महरूमी, नुकसान, खसारा, घाटा, बीमारियां, परेशानियां अगर ये लिखे हैं तो मौला ये सब मेट दे मौला, उसके बदल में मौला खुशहाली लिख दे, सआदतमंदी लिख दे, नेकबख्ती लिख दे और फराख दस्ती लिख दे, सआदतमंदियाँ लिख दे, कारोबारी उरूज लिख दे मौला, परेशानियाँ लिखिए तो परेशानियों को मेट दे, खुशहालियाँ लिख दे। ये दुआ, वो दुआ बड़ी जामे दुआ है, उस दुआ का भी आप एहतमाम करें, यूँ मैंने कर ही ली है, उस दुआ को आप तफसीलन भी पढ़ लें आप, फिर जो कुछ मौका आज की रात का है अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, मांगना जो कुछ मांग सकते मांगते जाए, और एहतमाम इबादतों का है, नमाज़ों का एहतमाम है, नवाफिल के एहतमाम बताए जाते हैं, इतनी रकात, इतने सूरे, उतने सूरे, ये सब नवाफिल अपनी जगह, जबकि हमारे अपने कंधों पर फ़र्ज का कर्ज बाकी है कि हमने फ़राइज़ बेशुमार हमसे छूटे हुए हैं, कई फजर की नमाज़ें हमसे तल्फ हो गई, कई नमाज़ें, अलग अलग नमाज़ें हमसे छूटी हुई हैं, और फिर हम नफल पढ़ने के लिए ठहर गए, तो ये कायदा बता दिया गया जिसके ज़िम्मे फ़र्ज बाकी रहता है उसका नफल कबूल नहीं होता। तो हम ऐसे मौके पर ख़ज़ाए उमरी पढ़ लें, जो कुछ हमारी ज़िंदगी के छूटे हुए फ़र्ज नमाज़ें हैं वो उन फ़र्ज नमाज़ों की कज़ा की नीयत से आप पढ़ते जाएँ, मौला मेरी ज़िंदगी में वो पुरानी छुटी हुई फ़जर की नमाज़ जी मौला उसकी कज़ा पढ़ता हूँ, आप पढ़ लें नमाज़ों का ऐसे मौके पर, वो जो नवाफिल लोगों को बताते
उसके बजाय आप फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लें, क्योंकि जिसके ज़िम्मे फ़र्ज़ बाकी उसका नफल कबूल नहीं होता, तो आप फ़र्ज़ नमाज़ें क़ज़ाए उम्री उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़। मेरी ज़िंदगी में जो पहली पुरानी छुट्टी हुई है मौला, वो अब उसके लिए दिन तारीख महीना याद रहना ज़रूरी नहीं, आप कब की छुट्टी हुई होंगी। फिर भी असर की नमाज तरतीबन आप वो 5 नमाजें ईशा की पढ़कर फिर वाजिब 3 रकात वाजिब भी ईशा के साथ ही पढ़ लें आप, 3 रकात वाजिब वो क़ज़ा के तौर पर उसके साथ। एक दिन का कोठा आपका हो गया, वो एक दिन क्या हुआ तो एक ही दिन का हुआ, वो एक दिन की पढ़ के आप पूरे 30 साल की डंडी मारे सो माफ़ नहीं होती। पढ़ना स्टार्ट कर देना अब आप, ये नवाफिल अब खुसूसन ऐसी रातों में बाहर निकले कि होटल है, पान का डब्बा है, गुटखा है, ये सब जी इधर जाओ उधर जाओ, ये सब पढ़ लो, जितनी हिम्मत है खड़े के नमा पढ़ लो, तिलावत कर लो कुरान की, थोड़ा सा इस्तराहत कर लो, घरों में एहतमाम कर लेना ज़्यादा बेहतर। नफल नमाजें घरों मर, नफल की नमाज की जगह घर है, मस्जिद फ़र्ज़ नमाजों के लिए। अपने घरों में नवाफिल पढ़ो, हुजूर का हुक्म है तो नफल नमाज घरों में ये इबादतों का एहतमाम करें। घर वालों को भी तरगीब होती है, बीवी को भी तरगीब, बीवी तो क्या अक्सर औरतें तो मर्दों से पार होती, हम तो भी जाके थके, वो बेचारी पढ़ते रहती, रोज़े रखे देखो तो औरतें ही ज़्यादा रहते, पढ़ तस्बीह पढ़ ले रहते, इस्तगफार पढ़ते चलते फिरते जी। औरतों माशाल्लाह ऐसी काबिल रश ख़वातीन होती हैं, बहर कैफ माहौल बच्चों को तरगीब होती है, ऐसे माहौल कर लें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। नवाफिल इस तरह वो एक दिन का, फिर आप फिर फजर की नमाज 2 रकात फजर मौला, उसके बाद की मेरी नीयत पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं, आपके दिल में नीयत, उसके बाद की जो फजर मेरी छुट्टी हुई है, जो एक छुट्टी थी ना उसके वो तो अदा कर लिया मैं कज़ा जी, उसके बाद की जो छुट्टी हुई है वो फजर, उसके बाद की जो छुट्टी है वो जोहर, उसके बाद की जो छुट्टी हुई है असर, उस यूँ पूरा एक दिन की नमाज का एक पैकेज वो पढ़ लिए, फिर पलटा के फिर फजर जोहर असर मगरिब ईशा वाजिब, यूँ आप पढ़ते जाएं और ये सिलसिला रखें। और जब भी वक्त मिला, अब हम तो माशाल्लाह है थोड़ा तो वक्त रहता फारिग बैठे रहते भाई, खाली बैठे अज़ा हो गई, मस्जिद खुल गई, वज़ू खाना खुल गया, बैतुल खला खुल गया, कब आते अभी तो जमात ठहरी, रुकू में जाते खत इमाम साहब ठहर रहे नमाज को, इतनी बड़ी मस्जिद मार्केट हज़ारों लोग जमात ठहरते वक्त 15-20 आदमी ठहरे, बड़ी मुश्किल से सलाम फेरे तक तकरीबन 300-400 आदमी माशाल्लाह से मस्जिद, कहाँ भाई ऐसी क्या अहम काम में अटके हुए थे आप, ये काहली हमारी फारिग वक्त है, गिराक भी नहीं है, बैठे मंतका मान लेते चल रहा है, तो शैतान साहब यूं क्या मोबाइल, एक नहीं हजारों नहीं करोड़ों शैतान उस एक में डब्बे में वो बर्बाद बैठे। अब चलो अब जिस नमाज की तौफीक है उन्हें भी ऐसा आ रहा नमाज, तकबीर उला पहली इमाम की तकबीर तहरीमा के साथ शामिल होने तसव्वुर ही नहीं भाई, रकात पढ़ते ना तो लंबा सूरा पढ़ते, आप रुकू में गए वक्त मिल लिए तो ठहरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रकात तो फुगट में मिल जा रही, रुकू में मिल गए तो रकात मिल जाती ना, वो रुकू में आकर मिल लिए तो सस्ती पड़ गई नमाज। ये थिंकिंग ये जहन ये दिमाग है तो क्या होगा बताइए, ये बेजारगी क्या कह के अल्लाह मुंह पे मारता नमाज है, बेजारगी के साथ नमाज, अरे दिल लगा के पढ़ना शौक से, और शौक से ऐसे आना अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का मौका, मौका मिल रहा जी, धक्के खाते इधर उधर जाके इनको ये वो मौके मिलने गए, यहाँ पर कितना बड़ा एहसास मिल रहा, जो आते नमाज जमात ठहर जाती वो होती है लोग देखे तो वो भरी हुई मस्जिद, कहाँ थे बच्चे नहीं मालूम था इन लोगों ने, इतनी बड़ी अजान हुई, इतनी बड़ी आवाज़ से अजान हो गई, सब हो गई ना, एन वक्त पे उठ के आते निकल के आ जा फारिग है, दो दो तीन तीन सेटा बैठे हुए दुकान पे, कैसे से कैसा गिराक बड़े से बड़ा अद्दा भी आ गया, डील कर लेता बच्चा आ जाओ अजा मस्जिद पूरी सहूलत है ना, कज़ाए उम्री पढ़ लेना, वक्त निकाल नीयत पुख्ता कर लेना, जिंदगी में छुट्टी हुई नमाजों की मैं कज़ा पूरी कज़ा, अल्लाह यूँ माफ़ नहीं फरमाएगा, सबसे पहले कल क़यामत के दिन जिस चीज़ का सवाल होने वाला है किस चीज़ का, नमाज का,
روز محشر کے جان گداز بوت بڑا سخت ترین دن ہوگا اولی پرسش نماز بوت. لیکن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق قضا نیت کر لیں آپ شروع کر دیں زہر کی نماز ٹائم رہتا آگئے گراک بھی نہیں ہوتا شروع مسجد میں آگئے پڑھ لیتے رہے ہو قضا نماز جی فجر کت سے پہلے ٹائم ہے فجر کی فرض سے پہلے قضا پڑھ لیں سنت پڑھ لیے قضا پڑھ لیں زہر ہر نماز سے پہلے اس کے ساتھ ایک نماز عصر کا پڑھ لیے سنت نماز سنت غیر موقعہ پھر آپ اپنی قضا فرض نماز ابھی ٹھہری نہیں عصر کی فرض کے بعد میں کوئی سنت نہیں ہے قضا تو پڑھ لے سکتے آپ لیکن ٹائم جب تک ہے نا آپ کو چلیے پڑھ لیں یوں آپ ہر نماز کے ساتھ میں ایک نماز یوں پڑھتے جائیں اور پختہ ارادہ کر لیں کہ میں زندگی کی جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا پڑھ لوں. اگر آپ پڑھنے پختہ ارادہ کر لیا آج آپ نے آپ کی زندگی میں 30 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے اور آج آپ نے پختہ ارادہ کر لیا اور سلسلہ شروع بھی کر دیا قضا نمازوں کا, اگر کل صبح آپ کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ وہ ساری نمازوں کو معاف فرما دے گا کیونکہ آپ نے قضا کی نیت کر لی تھی. وہ کریم کی بارگاہ اس کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ نیت کر لی تھی قضا نماز پڑھ لوں گا میں کسی صورت میں ادا کر لوں گا اور معافی بھی چاہ لیا مولا جو نماز قضا چھوٹی ہے مولا معاف کر دے مولا غلطی نمازوں کی قضا کی مجھ کو توفیق عطا فرما میں پکا ارادہ کر رہا ہوں کہ نماز قضا. کل موت ہو گئی گرچہ 30 سال کی نمازیں باقی ہے لیکن اللہ تعالی بے نمازیوں میں نہیں نمازیوں میں اس کا حشر فرمائے گا. یہ ہے تو یوں سلسلہ ایسی راتوں میں اس موقع سے استفادہ کریں. رمضان بھی آنے والا ہے رمضان میں تو عبادتوں کی طرف میلان بھی ہوتا ہے قضا نمازوں کا اہتمام کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر لطف و کرم فرمائے, پاک پروردگار ہم تمام کی مغفرت فرمائے, ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے, ہماری مغفرت فرمائے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے, ہمارے جتنے مرحومین خاندان کے مولا ان تمام کی مغفرت فرمائے, سسرالی جتنے رشتہ دار انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما دے, جتنے مولا محبین محسنین مخلصین ان کی مغفرت فرما دے, ہمارے مخلص ہمارے کرم فرما الحاج ہارون نقشبندی صاحب جن کا انتقال ابھی مدینہ پاک قابل فخر موت ان کو آئی قابل فخر مقام ان کو ملا جنت البقیع کا ٹکڑا ان کو ملا آقا کے قاقا کے قدموں میں جگہ ملی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے بلند سے بلند تر فرمائے. حضرت سیدنا عثمان غنی کا جوار رحمت ملا مولا عالم برزخ میں بھی ان کو وہ نورانی صحبت نصیب فرما اور کل قیامت کے میدان میں بھی ان نورانی صحبتوں سے انہیں مالا مال فرما دے. اے کریم ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھ مولا, ایمان پر استقامت نصیب فرما, ایمان پر زندہ اور قائم رکھ مولا اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب فرما, اپنے حبیب کریم کا رخ زیبا دیکھنا نصیب فرما, جنت البقیع مدینہ پاک کی موت نصیب فرما, جنت البقیع کا مولا قبر نصیب فرما دے مولا. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.